आज का हमारा मेन फोकस रहेगा नेटवर्क स्कैनिंग को लेकर। तो आपको यहाँ पर 3 मशीन्स यूज करनी पड़ेगी कम से कम, एक जो काली लिनक्स, दूसरी आपकी कोई भी विंडोज मशीन, चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, बेशक एक्सपी हो, डजंट मैटर, बट एक विंडोज मशीन होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा एक मेटास पोर्टेबल मशीन, ये 3 मशीन आपको चाहिए ही चाहिए, और काली लिनक्स एज अ टेक मशीन तो है ही। इसके अलावा मैं एक विंडोज 7 भी स्टार्ट कर लेता हूँ साथ के साथ। मैं अभी 4 मशीन्स को यूज कर रहा हूँ। आई होप सबकी लैब कॉन्फ़िगर है, किसी को दिक्कत नहीं है उस लैब कॉन्फ़िगरेशन में। आशीष आप भी लैब कॉन्फ़िगर कर लेना एक बार, और प्रैक्टिकल्स ट्राई जरूर कर लेना एक बार, कोई तो डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये मशीन रेडी है, ये भी रेडी है, बट उसमें तो मशीन 2 भी रेडी। ऑल गुड, ओके बताओ। इसके बाद आपको बस स्टार्ट करना सिंपल प्रैक्टिकल के साथ, और इससे करते हैं। एक और चीज, मुझे यहाँ पर पेन को अपलोड कर लेना एक बार, ये बेहतर है। तो आई होप पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं जो कि नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, आप नोट्स से भी वो चीजें गो थ्रू कर सकते हैं एक बार, अदरवाइज मैं रिपीट कर देता हूँ चीजों को। नोट्स में भी सेम ही चीजें लिखी हैं, और साथ एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वहाँ पर। तो प्लानिंग के अंदर चलते हैं, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं सिंपल। TCP और UDP दोनों का काम क्या है, दोनों कैसे डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, मतलब तो दूसरे से कैसे तो दोनों डिफरेंट है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपका बेसिक स्टार्ट होता है सिंपल TCP से। TCP और UDP दोनों ही आपके ट्रांसमिशन के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि डेटा जब ट्रांसमिट होगा तो वो कैसे होगा, किस मशीन के बीच में होगा, और मशीन्स कैसे उसको वेरीफाई करें कि डेटा आ गया या डेटा नहीं आया। उन चीज़ों के लिए या फिर और भी चीज़ों के लिए प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स हैं। ये 2 बेसिक प्रोटोकॉल आपके जनरली यूज होते हैं मोस्ट कॉमन सर्विसेज के लिए, चाहे सर्विस आपकी होगी वेबसाइट्स को लेकर कोई सर्विस हो HTTP, या फिर सिंपल रिमोट कनेक्शन को लेकर कोई VNC सर्विस है, सिंपल SSH सर्विस हो। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज के लिए आपका TCP और UDP यही 2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल TCP और UDP के दोनों डिफरेंस के साथ, कि TCP क्या है, UDP क्या है। फर्स्ट स्टार्ट विद बेसिक TCP। एंड द TCP जनरली स्टैंड्स फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड ऑन द अदर हैंड योर UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब आ जाओ बेसिक डिफरेंसेस के ऊपर। अगर बात करूँ बेसिक TCP की, तो TCP के अंदर एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी है कि आपका जो ट्रैफिक होगा, आपका जो भी ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक को भेजने से पहले, डेटा को भेजने से पहले एक प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है मशीन्स के बीच में, राइट। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन से पहले एक प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है इन केस ऑफ TCP, राइट। तो इसको आप बोलते हो कनेक्शन ओरिएंटेड। अदर देन दिस कनेक्शन ओरिएंटेड, अगर बात करूं अदर देन दिस कनेक्शन ओरिएंटेड पार्ट, अगर जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, मान लो मशीन है मशीन ए मशीन बी, अभी के लिए थोड़ा रिमूव करते हैं, थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं यहाँ पर, ड्राइंग भी काफी मजेदार चीज है वैसे तो। मान लो मेरे पास ये कुछ मशीन है 4-5, ठीक है। अब लेट्स से ये मशीन आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ये यहाँ भी कनेक्टेड है और ये यहाँ भी कनेक्टेड है, ये मशीन यहाँ कनेक्टेड है और ये मशीन यहाँ कनेक्टेड है, और ये मशीन फाइनली
यहाँ कनेक्टेड है और एक कनेक्शन यहाँ से यहाँ बना लो ये, ठीक है। अब ये सभी मशीन, ये मान लो वायर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। अभी की सिंपल मान लो कि आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में आपके पास अभी ये 5 कंप्यूटर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। अगर बात करें बेसिक टीसीपी की, तो टीसीपी में आपको अगर इस मशीन 1 से का नेम कर लेते हैं ये लोग, फर्स्ट वन वॉज योर M1, देन आफ्टर दिस वी हैव द M2, देन वी हैव द M3, देन वी हैव द M4, देन द M5। फिर से आपकी जो मशीन 1 है M1, इससे कोई मैसेज भेजना है M5 को, राइट। तो मशीन का जो ट्रैफिक जो रिलेटेड जो मैसेज है M1 के पास, वो मैसेज M5 के पास जाने से पहले एक प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। मतलब क्या है, आपका जो प्रॉपर मैसेज जाएगा M5 के पास, उसके लिए डेडिकेटेड पाथ सेट होता है। मतलब अगर मेरा मैसेज स्टार्ट हो रहा है M1 से, राइट, तो मेरा M1 से मैसेज M2 के पास भी जा सकता है, तो M1 से मेरा मैसेज M3 के पास भी जा सकता है, दोनों ही केस बनते हैं, राइट। तो कुछ प्रॉपर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग आपका शॉर्टेस्ट पाथ सेट किया जाता है कि M5 तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, इसमें लेटेंसी भी कम हो। इसमें ये मान लो सिंपल आपको यहाँ पे जाना है अभी, लाइक दिल्ली से गुड़गांव जाना है आपको, जो ये तो थोड़ा नजदीक की बात हो गई। ये मान लो आपको दिल्ली से गोवा जाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, और उसमें अगर ट्रैफिक जैम है तो मैं कोई और रास्ता लूंगा। उस रास्ता छोटा भी होना चाहिए और ट्रैफिक कंजेशन भी नहीं होना चाहिए वहां पर। ये दोनों ही केसेस मैच किए जाते हैं वहां पे, दोनों ही कंडीशन मैच होती है वहां पर, राइट। इसके एक आपका शॉर्टेस्ट पाथ वापस डिजाइन किया जाता है कि मेरा ट्रैफिक पहले M1 से जाएगा M3 के पास, देन M3 से जाएगा M5 के पास, राइट। तो प्रॉपर पाथ डेडिकेट रहता है वहां पर इन केस ऑफ TCP, राइट। और जो भी मैसेज जाएगा M1 से M5 के पास, उसमें सारा के सारे पैकेट्स आपके पहले M3 के पास जाएंगे, देन M3 से जाएंगे M5 के पास। अगर बात करूं डेटा की, डेटा आपका हमेशा ही पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। लेट से आपके पास कोई मैसेज था, कोई सिंपल फाइल मान लो 10 MB की, कोई PDF फाइल थी आपके पास, अभी आपको वो ट्रांसमिट करनी है M5 के पास, ठीक है। फाइल कहाँ थी, M1 के पास, मुझे भेजनी कहाँ है M5 के पास। तो आपका ये जो 10 MB डेटा है, ये मल्टीपल स्मॉल चंक्स में डिवाइड होगा, जिसको आप बोलते हो पैकेट्स, राइट। एंड देन वो पैकेट 1 by 1 ट्रांसमिट होंगे M1 से M3 के पास, एंड देन M3 से M5 के पास, राइट। दिस इज द बेसिक कनेक्शन ओरिएंटेड पाथ फॉर द TCP। एक प्रॉपर डेडिकेटेड पाथ है आपके पास, क्लियर है। अदर देन अगर इसके अलावा बात करूं, तो उसका जो TCP है, TCP डेटा डिलीवरी की आपको गारंटी भी देता है कि अगर आपने ट्रैफिक, आपने डेटा मेरे थ्रू भेजा है, अभी डेटा ट्रांसमिशन के लिए अगर TCP यूज किया है, तो मैं उसकी डिलीवरी की गारंटी देता हूँ कि वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब आप जब भी कोई डेटा पैकेट भेजते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा पैकेट, वो पैकेट जिनके अंदर डेटा है आपके पास, सिंपल पैकेट नहीं, डेटा पैकेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। हर एक डेटा पैकेट के लिए आपको रिस्पॉन्स में एक हमेशा एक एक्नोलेजमेंट पैकेट मिलता है, इसको आप एज ए रिसिप्ट मान सकते हो। पैकेट से मैंने M1 से कोई पैकेट भेजा, मान लो पैकेट नंबर था, जो सिंपल PKT लिख रहा हूँ मैं, PKT NO, ये मान लिया पर था कुछ 5570, राइट। ये पैकेट नंबर गया कहाँ, M5 के पास। जब ये पैकेट रिसीव होगा M5 को, M5 एक रिस्पॉन्स भेजेगा वहां पर कि जो पैकेट नंबर है PKT नंबर कितना था, 5570, वो हो गया रिसीव। इसके लिए आप जनरली एक्नोलेजमेंट फ्लैग यूज करते हो, कब बोलते हो ACK, इसका पूरा नाम है एक्नोलेजमेंट, ACK फ्लैग बोलते हैं इसको आप, राइट। अदर देन दिस बेसिक एक्नोलेजमेंट, क्योंकि TCP आपको डिलीवरी की गारंटी भी देता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, राइट। तो मैं इसे यहाँ नोट कर लेता हूँ, ये नो अदर देन दिस।
इसके अलावा अगर बात करूं तो जो टीसीपी है वो आपको एरर चेकिंग के लिए भी कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है कि अगर ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर हो जाए, मतलब कोई डेटा मॉडिफिकेशन, डेटा टेम्पर हो जाए, कोई पैकेट लॉस हो जाए, तो उस चीज के लिए आपको टीसीपी एरर चेकिंग मेथड्स को प्रोवाइड करता है। अब मान लो यहाँ पर M1 के पास थे कुछ 5570 पैकेट, नंबर को मिटा दो, M1 के पास कितने पैकेट हैं? 5570, ठीक है। अब मुझे ये 5570 पैकेट्स कहाँ भेजने हैं? मेरे M5 के पास। तो पैकेट वन बाय वन जाएंगे। मान लो इन 5570 पैकेट्स में से कोई पैकेट नंबर, अगर कोई भी पैकेट नंबर ले लो यहाँ पर, लेट्स से जो पैकेट नंबर था मेरे पास लाइक 9999, तो 9999 मान लो, 999 तो नहीं होगा, 999 पैकेट नंबर जो था मेरे पास, वो किसी कारणवश या फिर कुछ नेटवर्क कंजेशन की वजह से, किसी भी रीजन से वो यहाँ पर M5 के पास नहीं पहुंच पाया, राइट। या फिर ये जो पैकेट था 999, इसके डेटा के अंदर हल्का सा मॉडिफिकेशन हो गया, हल्का सा थोड़ी बिट्स चेंज हो गई, राइट। तो उस चीज को चेक करने के लिए कि मॉडिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ, कोई बिट चेंज हुई है नहीं हुई, कोई पैकेट लॉस हुआ है नहीं हुआ, उस चीज के लिए टीसीपी के अंदर कुछ आपको एरर चेकिंग मेथड्स भी मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। और अगर बात करें बेसिक यूडीपी की, तो यूडीपी में ना ही तो प्रॉपर कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन होता है, नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड, ना ही आपके कोई डेटा रेंज में कोई गारंटी मिलती है आपको, नो गारंटी, और ना ही कोई एरर चेकिंग मैकेनिज्म है। बट उसके बावजूद भी आपका यूडीपी यूज होता है, वाई? एक बेसिक रीजन है, जस्ट बिकॉज टीसीपी के अंदर हर डेटा पैकेट के लिए आपके पास एक्नोलेजमेंट आता है। तो ये मान लो आपके पास अगर डेटा के लिए 5570 पैकेट्स थे, राइट, तो वहां पर 5570 की जगह कितने पैकेट ट्रांसमिट हो गए? लाइक 5570 एंड इंटू टू, वाई इंटू टू? बिकॉज 5570 पैकेट्स ये जाएंगे M1 से M5 के पास, और 5570 रिसीव्स, 5570 कंफर्मेशंस कि मुझे पैकेट रिसीव हो गए, वो आएंगे M5 से M1 के पास। तो इस वजह से हल्का सा नेटवर्क कंजेशन बनता है वहां पर, और आपका जो M1 है, राइट, वो पैकेट्स कभी कभी उस केस में ही भेजता है। लेट से आपका M1 है, उसके पास कितने पैकेट्स हैं? 5570, स्टार्टिंग में भेज दिए 20 पैकेट्स, राइट। जब तक के लिए उसे 20 पैकेट्स का रिस्पॉन्स नहीं मिला कि 20 पैकेट्स वहां पहुंच गए, तो बाकी पैकेट्स नहीं भेजेगा, तो ये केसेस भी बनते हैं, राइट। तो इस वजह से आपका जो टीसीपी है वो हल्का सा स्लो रहता है इंस्टेड ऑफ यूडीपी। यूडीपी में ना ही तो कोई प्रॉपर पाथ फॉलो होता है, इनकेस ऑफ यूडीपी आपका जो पैकेट होगा, मान लो 5570 पैकेट्स आपके पास, उनमें से आपकी कुछ भी कितने परसेंट, मान लो कि 30% पैकेट हो सकता है यहाँ से M1 से निकले, फिर M2 के पास जाए, देन M4 के पास, देन M3 के पास, देन M5 के पास। मान लो कुछ और 40% पैकेट्स कहाँ जा रहे हैं? M1 से M3, देन M3 से M4, देन M5। जो बचे 30%, मान लो वो जा रहे हैं M1 से M3 एंड M5। इन केस ऑफ यूडीपी आपका हर एक पैकेट खुद का पाथ फॉलो कर सकता है, कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता वहां पर, राइट। इसकी वजह से आपका यूडीपी थोड़ा सा स्लो रहता है। आपने चीज फेल भी की होगी, आप कभी कोई जो मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे, अगर नेटवर्क स्लो हो तो हमने जो मैसेज बाद में भेजा है वो कभी कभी पहले पहुंच जाता है, और जो मैसेज पहले भेजा था वो बाद में पहुंचता है, बिकॉज वहां पर आपका यूडीपी फॉलो होता है, वो फास्ट है इसलिए, राइट। तो कर मोस्ट ऑफ द टाइम रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए आपका यूडीपी यूज होता है बहुत बार, राइट। ये बेसिक आपका टीसीपी और यूडीपी था। अदर देन दिस आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट वॉज योर टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टीसीपी थ्री वे हैंडशेक देन। तो मुझे थोड़ा डायग्राम ये थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये लो आ जाओ नीचे। अब मैं सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए आपका क्लाइंट है यहाँ पर, अभी आपका सर्वर है यहाँ पर, ठीक है। इससे मैं बोलूंगा क्लाइंट, तो सिंपल यूजर मान लो बेशक, ठीक है। ये है मेरे पास सर्वर, तो सिंपल मान लो google.com, ठीक है, ओके। अब
करेक्शन ओरिएंटेड पाथ का मतलब क्या है वहां पर, जब पाथ प्रॉपर सेट हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट डायरेक्टली नहीं होता कभी भी, नहीं। डेटा ट्रांसमिट करने से पहले आप पहले सर्वर से पूछते हो कि आप कनेक्शन एक्सेप्ट भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर। आप उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए कनेक्शन को या फिर डेटा को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट, उस चीज को चेक करने के लिए, या फिर इस सर्वर के पास, इस सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आप भेजते हो एक सिंक पैकेट। आपके सिंक पैकेट जनरली यूज होते हैं कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए, उसको आप बोलते हो SYN, जनरली फ्लैग्स बोलते हैं, पैकेट भी बोल सकते हो आप अगेन। आपको जो कनेक्शन इनिशिएट करने हो वहां पर बात करते हैं सिंपल सिंक फ्लैग्स की, इनिशिएट कनेक्शन, ठीक है। देन अब आपके जब सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिलेगी क्लाइंट की तरफ से कि मुझे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है आपके साथ, लेट से मुझे यहाँ पर पोर्ट नंबर चल रहा है 80, पोर्ट 80 चल रहा है, वहां पर सर्विस कौन सी होती है पोर्ट 80 पे, HTTP, राइट। अब आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा पोर्ट 80 के लिए कि मुझे आपके पोर्ट 80 के साथ HTTP सर्विस के साथ डेटा नेगोशिएट करना है, तो आप उस चीज के लिए मेरा जो कनेक्शन रिक्वेस्ट उसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, राइट। अब जब ये रिक्वेस्ट पहुंचेगा तो सर्वर के पास, तो सर्वर उसके लिए दो केसेस में रिप्लाई करता है, अब दो कंडीशन बनती है, या तो सर्वर हाँ करेगा कि हाँ मैं कनेक्शन एक्सेप्ट करता हूँ, या वो सिंपल ना करेगा कि मैं कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैं कनेक्शन एक्सेप्ट करता हूँ, उस टाइम पे वो यहाँ भेजता है एक सिंपल एक्नोलेजमेंट, जस्ट बिकॉज हमने कोई मैसेज स्टार्टिंग में भेजा था सर्वर के पास, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई मैसेज भेजा था सर्वर के पास कि मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो उस मैसेज के लिए, उस डेटा के लिए मेरे पास यहाँ पर एक्नोलेजमेंट आएगा पहले तो, ठीक है। इसके साथ अगर आपका सर्वर आपको अलाउ करता है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, तो वो भी आपको सिंक फ्लैग के साथ ही रिप्लाई बैक करेगा, राइट। अगर वो कनेक्शन के लिए अलाउ करता है तो वो रिप्लाई करेगा एक्नोलेजमेंट फ्लैग के साथ प्लस आपके सिंक फ्लैग्स के साथ। मैं फ्लैग दिखाऊंगा अभी आपको जस्ट आफ्टर फ्यू सेकंड्स। तो आपको एक्नोलेजमेंट और सिंक दोनों ही रिप्लाई, दोनों ही रिस्पॉन्स के अंदर मिलते हैं फ्रॉम द सर्वर, अगर कनेक्शंस अलाउड है तो, ठीक है। अगर वो अलाउ नहीं करता है उस केस में आपको रिस्पॉन्स में मिलता है एक्नोलेजमेंट तो मिलेगा ही, बिकॉज पहले कोई डेटा गया था उसका एक्नोलेजमेंट तो आएगा ही आएगा। अगर आपका सर्वर अलाउ नहीं करता है आपको, उस टाइम पे आपको मिलता है RST फ्लैग, रीसेट फ्लैग। ये आपका फ्लैग जनरली कनेक्शंस को रीसेट करने के लिए यूज होता है, या फिर ये मान लो कनेक्शंस को टर्मिनेट करने के लिए आप RST फ्लैग्स यूज करते हो, क्लियर है। और ये आपको कब मिलता है, जब आप, जब का सर्वर आपको अलाउ नहीं करता, चाहे रीजन कोई भी रहा हो अगेन, बट पॉइंट ये है आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, RST फ्लैग, आपको जब सर्वर आपका अलाउ नहीं करता उस टाइम की बात है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एरो डाल देता हूँ ये लोग, ताकि आपको बेहतर रिलेट हो पाए कि ये रिक्वेस्ट वहाँ गई थी, रिक्वेस्ट वहाँ गई थी, वो सब पेज के लिए तो ये जा रही है सर्वर के पास। ये ड्रॉइंग इतनी बेहतर नहीं है, बट अगेन आई होप यू गाइस कैन रिलेट। सिंपल है। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर सर्वर ने कोई मैसेज भेजा है, चाहे वो हाँ में हो चाहे वो ना में हो, कि मैं कनेक्शन बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, उसने अगर हाँ भेजा है तो भी, ना भेजा है तो भी, जस्ट बिकॉज मैसेज आया है सर्वर की तरफ से, तो आपको यहाँ पर एक रिस्पॉन्स दोबारा भेजना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज सर्वर से कोई मैसेज रिसीव हुआ था, उस मैसेज के लिए हमें यहाँ पर एक्नोलेजमेंट दोबारा भेजना पड़ेगा, राइट। बेशक आपका सर्वर हाँ में रिप्लाई करे या ना में रिप्लाई करे, हमें एक्नोलेजमेंट भेजना पड़ेगा बिकॉज सर्वर की तरफ से कोई मैसेज आया है हमारी मशीन के ऊपर, क्लियर। दिस इज सिंपल टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। अगर टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के अंदर जनरली आपकी अलाउड कंडीशन आती है, जो आपका सर्वर आपको अलाउ करता है कनेक्शन के लिए, सिर्फ वही केसेस आते हैं। लेट से जो थोड़ा तो सिंपल लिखूं मैं यहाँ पर, तो मान लो ये आपका यूजर है, तो
जैसे मान लो डायरेक्शन दे देते हैं यहाँ पर, एक और कॉलम मान लो डायरेक्शन के नाम से, ठीक है, मैंने एक और मान लो कॉलम यहाँ पर विद नेम लाइक सर्वर, राइट। जो मेरा यूजर था वो क्या भेजेगा, सिंक रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, मेरे सर्वर को। यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सिंपल एरोज यूज करूंगा यहाँ पर, राइट। जाएगा सर्वर के पास, ये सिंपल है। पर अब आपका जो सर्वर होगा वो भेजेगा रिप्लाई, ठीक है, सर्वर होगा वो भेजेगा रिप्लाई बैक टू यूजर कि मुझे कनेक्शन अलाउ करना है या नहीं करना। उसके अंदर मैसेज में जनरली इसमें थ्री वे एमसीक्यू की बात करूं बेसिक, उसमें आपकी सिर्फ अलाउ कंडीशन आती है, और अलाउ कंडीशन में आपको क्या मिलता है, थिंक प्लस एक्नोलेजमेंट, SYN फ्लैग प्लस ACK फ्लैग, आपको जनरली अलाउड कंडीशन में यही फ्लैग मिलते हैं, राइट। अगर आपको सर्वर आपको अलाउ करता है तो आपको रिस्पॉन्स में ये मिलेंगे, अदरवाइज आपको सिंपल मिलेंगे RST फ्लैग, ठीक है। अब जिस भी कोई सर्वर की तरफ से कोई मैसेज आया है तो हमें वापस उसको भेजना पड़ेगा, दैट वुड बी योर एक्नोलेजमेंट फ्लैग, कंफर्मेशन रिसीव के लिए कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया, वो बेशक हाँ हो या ना हो डजंट मैटर, बट मुझे आपका मैसेज मिल गया, राइट। और ये जाएगा सिंपल क्लाइंट की तरफ से सर्वर के पास। दिस इज योर बेसिक TCP थ्री वे हैंडशेक, जहां पर आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एक सिंक रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर के पास, देन सर्वर रिप्लाई करता है विद सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट, एंड देन अगेन आप दोबारा भेजते हो एक्नोलेजमेंट फ्लैग। आपके जब एक्नॉलेज फ्लैग भेजते हो थर्ड वन, यहाँ पर आपका TCP थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट होता है, क्लियर। यस सर, ओके, अदर देन दिस अगर बात हो आपको दो चीजें और वो खुद से पढ़नी पड़ेंगे, जो बहुत टाइम लगेगा, वरना आपको वो चीजें खुद से ही पढ़नी पड़ेंगी, वो चीजें नोट्स में लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ लेना एक बार, ये नहीं है खैर, ये चीजें पढ़ के आनी है, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, आपको ये दो टास्क खुद से ही करने पड़ेंगे, राइट। अगर मैं ये पढ़ाने बैठा तो पूरा लेक्चर इन्हीं में निकल जाएगा, फिर ना तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे ना ही कुछ और आज सेशन में, तो राइट। तो आप ये खुद से पढ़ लेना, इनकेस कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हो, वरना इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत वीडियोज है, वहां से आप बेहतर सॉल्व पाओगे इन चीजों को। यहाँ मेरे टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो गया है, पर भी सेम ही दिख रहा है अब, बिल्कुल बैक। ओके, इसके अलावा मैं ये बाकी जो फ्लैग्स बचते हैं हमारे, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकल्स के टाइम पर, बट अगेन ऊपर मैंने बेसिक्स लिखा है TCP और UDP के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे काम करते हैं, बेसिक्स यहाँ पर लिखी है, अब इनको जो गो थ्रू जरूर कर लेना नोट्स को, आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें नोट्स के अंदर मिल जाएंगी, आपको कहीं एक्स्ट्रा दब उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एक और चीज, प्रैक्टिकल्स के लिए नोट्स के अंदर बहुत कम लिखा हुआ है, मतलब जो बेसिक्स जो स्टार्टिंग के कुछ मॉड्यूल्स हैं मैंने उन्हीं के लिए नोट्स के अंदर प्रैक्टिकल लिखे हैं, वरना नोट्स के अंदर प्रैक्टिकल्स के कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो प्रैक्टिकल्स के लिए आप या तो चीज़ों को समझ लो, या फिर आप खुद से ट्राई करो, फिर आप सिंपल रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर लेने के बाद वो चीज़ और बेहतर है, पर आपको खुद से ट्राई करने पड़ेंगे प्रैक्टिकल्स, तो उनके लिए कोई रेफरेंस नहीं है नोट्स के अंदर आफ्टर दिस मॉड्यूल, ठीक है। ऑलराइट, अब आ जाओ बेसिक सिंपल प्रैक्टिकल्स के ऊपर। तो हमारा आज का मेन टास्क रहेगा नेटवर्क स्कैनिंग, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल से इसको रिलेट कर सकते हो आप, लेट्स से आपको किसी ने हायर किया टेस्टिंग के लिए, ठीक है, आपको आपको नेटवर्क टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, आपको सिंपल नेटवर्क की सिक्योरिटी टेस्ट करनी है कि नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं वो सिक्योर है या नहीं है, वहाँ जो सर्वर है वो सिक्योर है या नहीं, और फायरवॉल लगी है नहीं लगी, फायरवॉल काम कर रही है नहीं काम कर रही, फायरवॉल मिसकॉन्फिगर्ड है नहीं मिसकॉन्फिगर्ड है, आपको ये बेसिक्स ही चीजें टेस्ट करनी है, राइट। इसके साथ साथ आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी टेस्ट कर सकते हो वहां पर, तो वो केस भी बनते हैं, राइट। इसको आप बोलते हो बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग, राइट। आपका मेन फोकस रहेगा ऑल द मशीन्स, जितनी मशीन्स है नेटवर्क के अंदर, राइट, उन सबको आइडेंटिफाई करना वन बाय वन, उन सबके IP एड्रेसेस निकालना विद द MAC एड्रेसेस,
आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल द आईपी एड्रेसेस एंड मैक एड्रेसेस फॉर ऑल द डिवाइसेस, आपको वहां पर उनके ऊपर जो भी सर्विसेज अभी काम कर रही है, चाहे सिंपल आपकी एसएच की कोई सर्विस था, सिंपल एसएमबी की सर्विस था, सिंपल नेट बायोस की सर्विस हो, सिंपल चाहे कोई सिंपल आपका एफटीपी की सर्विस चल रही हो, अगेन आपको जो भी सर्विस वहाँ पे चल रही है मशीन के ऊपर, आपको उन सब के लिए प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी है, राइट। देन आपको वहां पर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी फाइंड आउट करने हैं, आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वहां पर उनकी फायरवॉल्स को भी चेक करना है कि फायरवॉल वहां पर चल रही है नहीं चल रही है, ऐसा ना हो कि फायरवॉल वहां पर काम ना कर रही हो, आपको तो वो चीज भी चेक करनी पड़ेगी। क्लियर? ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कि हमें एक्टिव मशीन्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है, राइट। ओके, इसके लिए पहले करते हैं सूडो सू, ताकि मैं एक सिंपल यूजर काली से रूट यूजर पे स्विच कर पाऊँ, ठीक है। उसके लिए आप कमांड यूज करते हो सूडो सू, और मैं अब यहाँ पर सिंपल यूजर काली से अभी रूट यूजर पे स्विच हो गया, तो मैं जो कमांड चाहूँ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ वहां पर, चाहे वो RM-RF क्यों ना हो, ये सब कुछ डिलीट करना है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से, तो वो भी कमांड काम करेगी मेरी, राइट। बट आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अदर देन दिस, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक आइडेंटिफाई द एक्टिव मशीन्स के साथ। उसके मल्टीपल टेक्निक्स मिलते हैं, बट सिंपलेस्ट वे कौन सा है वो समझो। उसके लिए मैं पहले अपना एक और टूल यहाँ पे यूज करूंगा, दैट वॉज योर वायर शार्क, ताकि मैं नेटवर्क के ट्रैफिक को कैप्चर कर पाऊँ, आपको सिंपल शो कर पाऊँ। उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे वायर शार्क, इसे कर लेते हैं राइट साइड में स्विच, और टर्मिनल करते हैं लेफ्ट साइड। ओके, सो आपका वायर शार्क सिंपल नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए यूज होता है, राइट। मैं अभी के लिए बेसिक इथरनेट इंटरफेस के ऊपर कैप्चर करूंगा ट्रैफिक्स को, इसे कर लेते हैं वहां के लिए छोटा, तो हमें हेक्स वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें सिंपल बेसिक वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो जूम इन भी करना पड़ेगा, टूल्स व्यू के अंदर होना चाहिए आई थिंक, ऑप्शंस प्रेफरेंसेस एडिट प्रेफरेंसेस यहाँ है, आ जाओ फॉन्ट एंड लेआउट, फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं साइज रेगुलर, बेहतर है, अब बिल्कुल बेहतर। ओके, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स है उन्हें एक बार के लिए हटा रहा हूँ, टाइम उनमें से एक है आपका, प्रोटोकॉल रहने देते हैं, पैकेट नंबर हो गया आपका, सोर्स आईपी एड्रेस हो गया आपका, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया आपका, और पैकेट लेंथ हमारे लिए इंफॉर्मेशन अभी के लिए काम की नहीं है, अभी के लिए छोड़ दो, अब आ जाओ बेसिक कमांड्स के ऊपर। सो मैं यहाँ पर सिंपल एआरपी पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करूंगा। एआरपी पैकेट्स आपके जनरली यूज होते हैं, फिर से मान लो आपका जो एआरपी प्रोटोकॉल है वो आपका जनरली एक आईपी एड्रेस को एक मैक एड्रेस के साथ लिंक करने के लिए यूज होता है, बट मैं इसी का फायदा उठाऊंगा। मैं सिंपल पैकेट को ब्रॉडकास्ट करूंगा कि नेटवर्क के अंदर किसी मशीन के पास ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है या नहीं है, अगर है तो रिप्लाई बैक करो मेरी मशीन के पास, सिंपल एआरपी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। आप बस सिंपल नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो एआरपी पैकेट्स को, ताकि आप चेक कर पाओ कि मशीन विद स्पेसिफिक आईपी एड्रेस नेटवर्क के अंदर अभी एक्टिव है या नहीं है। अगर मशीन आपकी एक्टिव होगी तो वो आपको रिप्लाई करेगी कि ये आप पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इस मैक एड्रेस के साथ लिंक्ड है, राइट, या फिर ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को असाइन हुआ है, राइट। उसके लिए आपके पास मल्टीपल कमांड्स आती हैं, यू कैन जस्ट गो विद द सिंपलेस्ट वन, एंड सिंपलेस्ट वन वाज एआरपी हाइफन स्कैन हाइफन एल। एआरपी हाइफन स्कैन आपका जनरली यूज होता है पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है। आपका हाइफन एल को सिंपल सिग्निफाई करता है कि मुझे मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर ही पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करना है। आप अगर चाहो तो यहाँ खुद का नेटवर्क एड्रेस भी दे सकते हो, या फिर किसी और का नेटवर्क एड्रेस भी दे सकते हो, बट जो रिप्लाई आएगा वो आपकी मशीन के ऊपर आएगा, तो अगर आपका आईपी एड्रेस बाकी नेटवर्क से आप कॉल कर पाते हो तभी आप बाकी नेटवर्क के अंदर आप स्कैनिंग कर पाओगे, राइट। अगर आपका आईपी एड्रेस पब्लिकली एक्सेसिबल है तो, राइट, बट आप वो काम भी कर सकते हो। लेट से मुझे टेस्ट करना है नेटवर्क इस नेटवर्क को 8.8.8 जीरो दे देते हैं स्लैश
16 मान लो अभी के लिए, ठीक है, कि मुझे पर्टिकुलर नेटवर्क का एड्रेस टेस्ट करना है, इसके अंदर कौन सी एक्टिव मशीन है वहां पर, राइट। उसके लिए मैं सिंपल पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ इस नेटवर्क के अंदर, लेकिन रिप्लाई बैक कहाँ आएगा, मेरी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर। मेरा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस क्या है, उसके लिए सिंपल चलते हैं आई एफ कॉन्फिग के साथ। तो मुझे आईपी एड्रेस मिला है 1.1.1.17, राइट। अब जस्ट बिकॉज मेरा जो आईपी एड्रेस है वो सिंपल प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, बस वो सिंपल मेरे नेटवर्क के अंदर से ही कॉल कर सकता हूँ, नेटवर्क के बाहर वो काम नहीं करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर पैकेट्स को अभी के लिए, जस्ट फॉर द राइट, जस्ट फॉर नाउ, मैं पैकेट्स को अपने लोकल नेटवर्क के अंदर ही ब्रॉडकास्ट करूंगा। उसके लिए आप या तो हाइफन हाइफन लोकल वर्ड यूज करो, या फिर आप स्मॉल में हाइफन एल यूज करो, या फिर आप खुद का नेटवर्क एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाई करो। तो नेटवर्क एड्रेस आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा, मैं चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालना है इन आवर सेकंड सेशन। यहाँ पर मैंने सिंपल आईपी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, इसको गो थ्रू कर लेना, किसी कोई डाउट आए तो जस्ट गो विद आई एफ कॉन्फिग। आप सिंपल आईपी एड्रेस से और नेट मास्क से नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हो, राइट। अदर देन दिस, अभी कहते सिंपल एंटरप्राइज, तो पैकेट्स सिंपल ब्रॉडकास्ट होंगे मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर, और मेरी मशीन को अगर रिप्लाई मिलता है वहां से, लेट्स से मुझे भी यहाँ पर रिजल्ट मिला है कि 1.3 एक्टिव मशीन है, 1.14 एक्टिव मशीन है, उसका मैक एड्रेस ये है, ठीक है। चलते हैं वायर शार्क के अंदर और करते हैं इन्हें एनालाइज। तो 1.3 1.254 ये रहा स्टार्टिंग में, सबसे ऊपर ये, यहाँ से मेरे पैकेट्स ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हुए थे 218, पैकेट नंबर 218 से मेरे पैकेट्स ब्रॉडकास्ट हुए थे फर्स्ट, राइट। एंड यू कैन सी मेरी मशीन का मैक एड्रेस यूज हुआ है पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, राइट। प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ है आपका, एआरपी। आफ्टर दैट एक सिंपल मैसेज कन्वे हुआ है मशीन को कि अगर आपके पास ये आईपी एड्रेस है इनमें से कोई भी एक, तो आप सिंपल रिप्लाई बैक करो इस मशीन के ऊपर 1.17 के ऊपर, और 1.17 मेरी मशीन का आईपी एड्रेस है। जब मैंने मैसेज सेंड किया 1.3 के लिए नेटवर्क के अंदर, तो वही एक मशीन ने मुझे रिप्लाई बैक किया कि 1.3 का मैक एड्रेस ये है, 1.3 आईपी एड्रेस इस पर्टिकुलर मैक को असाइन हुआ है, मैक आपके डिवाइस का फिजिकल एड्रेस है, राइट। अदर देन दिस, आपके सेम ही रिस्पॉन्स आपको बाकी एड्रेसेस के लिए भी मिले हैं, फॉर 1.14, 1.19, 254.1.2। बट यहाँ पर भी एक फर्क, ये मान लो कुछ ग्लिच मान लो, कुछ मान लो अगेन, आपका जो एड्रेस है यहाँ पर 1.2, ये एड्रेस आपका मैंने असाइन किया था मेरे गेटवे के लिए। मैं अगर जाता हूँ सिंपल एडिट ऑप्शंस के साथ, मुझे यहाँ ऑप्शन मिलेगा वर्चुअल नेटवर्क एडिटर के लिए, इसे ओपन कर लो। और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है राइट साइड से नीचे चेंज सेटिंग्स का, कर लेते हैं चेंज के ऊपर एक बार क्लिक। यस, आई वांट टू मॉडिफाई द सेटिंग्स। आपको मिलेगा ये पॉपअप, ठीक है। आ जाओ नेट सेटिंग्स के अंदर। मैंने अपना नेटवर्क एड्रेस कुछ स्पेसिफाई किया था 1.1.1.1, आपको बाय डिफॉल्ट यहां मिलेगा 192.168.1। मुझे 192.168.1 लिखने में बहुत बोरियत फील होती है, इसलिए मैंने इसको सिंपल चेंज किया 111 से, ताकि मैं इसको इजीली टाइप कर पाऊं, इसलिए मैं इसको चेंज किया है 111 से। मैं अगर आता हूं नेट सेटिंग्स के अंदर यहां पर इस बटन के थ्रू, तो मुझे यहां पर एक डिफॉल्ट गेटवे दिखेगा। आपका वीएमवेयर हमेशा डिफॉल्ट गेटवे के लिए .2 आईपी एड्रेस यूज करता है, चाहे आपने आईपी कुछ भी लिया, डजंट मैटर, बट आपकी आखिरी जो नंबर होगा वो हमेशा .2 पे काम करता है आपका वीएमवेयर का गेटवे, राइट। आपका VMware .1 पे एज ए गेटवे यूज नहीं कर सकता, आपको वहां पर .2 ही यूज करना पड़ता है, आप अगर चेंज करते हो आईपी एड्रेस को तो, राइट। अदर देन दिस, मैंने यहाँ पर सिंपल रेंज दी थी, जैसे करते भी करिए कैंसिल। आ जाओ DHCP सेटिंग्स के अंदर, मैंने यहाँ पर रेंज दी है 1.3 से लेके 1.254। ये जो मैक्स टू मैक्स जो आईपी एड्रेस हो सकता है वो क्या होगा, 1.254, और कम से कम जो आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस का जो एड्रेस होगा वो होगा 1.3,
तब का जो एड्रेस है 1.2 वो यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ गेटवे के लिए, और जो एड्रेस है 1.254 वो यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस, राइट। यहाँ 1.2 के ऊपर, 1.54 के ऊपर, यहाँ पर कोई एक्चुअल मशीन्स नहीं चल रही, आपका 1.2 के ऊपर आपका सिर्फ आपका राउटर, मान लो एक राउटर काम कर रहा है बस विद डीएनएस सर्विस बस, और 1.254 के ऊपर आपका वीएमवेयर ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये दो एड्रेसेस आप सिंपल नेगलेक्ट कर सकते हो, इनको सिंपल इग्नोर कर सकते हो आप अगर लोकल नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हो तो। बट आप अगर रियल लाइफ नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हो तो वहां पर आपको गेटवे में 1.1 ही मिलेगा, क्लियर है, और ब्रॉडकास्ट में 255 मिलेगा, ना ये 254। अदर देन दिस मुझे यहाँ मिले हैं 3 IP एड्रेस, 1.3, 1.14 एंड 1.19। इन्हें कर लेते हैं फाइल के अंदर नोट डाउन, ऊपर चलते टेक्स्ट एडिटर के अंदर, टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर सिंपल कोई भी अगेन, और आपके IP एड्रेसेस यहाँ कर लेते हैं नोट डाउन। पहला IP एड्रेस कौन सा है? 1.3, सेकेंड वन 1.14, देन द लास्ट वन वाज 1.19, सिंपल। और इसे कर दो सेव, लेकिन किसी भी नाम से सेव कर दो, मैं भी कह रखो सिंपल IP.txt, तो कर दो सेव, वो भी फाइल सेव, एंड दैट्स ऑल। आपको यहाँ पर आपके नेटवर्क के अंदर जो भी मशीन्स होंगी आपको यहाँ उनके IP एड्रेसेस मिलेंगे, क्लियर है। अदर देन दिस इसके अलावा एक और टूल आता है काफी काम करता है वो भी, बट आपको इसकी तरह इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते वहां पर, दैट वॉज योर NMAP। NMAP का नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर सिंपल एक्टिव मशीन्स को फाइंड आउट करने में इतना एफिशिएंट नहीं है, बट नेटवर्क अगर बात करो सिंपल पोर्ट्स इनमरेशन में, अगर कि कौन सा पोर्ट वहां पर चल रहा है उस चीज में, आपका NMAP से बढ़िया कोई फ्री टूल नहीं है आपके पास, NMAP से अच्छा कोई फ्री टूल नहीं है ऑलमोस्ट, ये मान लो, राइट। अगर आपको सिंपल नेटवर्क को स्कैन करना हो एक्टिव मशीन्स के लिए, जस्ट गो विद द कमांड nmap-s and n, कोई भी टूल ट्राई करने से पहले अगेन उसका हेल्प पेज जरूर देख लो, और nmap के लिए मैनुअल पेज भी है, राइट। तो आप यहाँ से इसके बारे में प्रॉपर सब कुछ पढ़ सकते हो, कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, कैसे उसको यूज करना, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, राइट। और किसी भी टूल को सीखने के लिए उसका मैनुअल पेज सबसे बढ़िया सोर्स है, राइट। तो या तो आप मैनुअल पेज को एग्जामिन कर लो, या फिर आप सिंपल हेल्प पेज को एग्जामिन कर लो, आपको यहाँ पर भी प्रॉपर लिस्ट मिलती है कमांड्स को लेके, राइट, और ढेर सारी कमांड, और आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं वन बाय, क्लियर है। तो आपको अगर सिंपल नेटवर्क स्कैन करना हो तो उसके लिए बेसिक कमांड है आपके पास nmap-s, small n एंड योर नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या है मेरे पास? 1.1.1/.0/24, और कर दो एंटर प्रेस। ये भी सेम तरीके से ही काम करते हैं आपके ऑलमोस्ट जितने भी टूल्स हैं, क्योंकि इस चीज के लिए काम करते हैं मशीन को टेस्ट करने के, मशीन को चेक करने के लिए, वो सेम ही तरीके से काम करता है कि सिंपल AI पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेंगे और रिस्पॉन्स का वेट करेंगे, राइट। सबकी काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है वहां पर। तो मुझे यहाँ पर भी सेम मशीन मिली है, 1.2 है, 1.3 है, 1.14, 1.19, 1.254, और मुझे यहाँ मेरी मशीन का IP एड्रेस 1.17 भी मिला है। बट अगर बात करूँ आर्प स्कैन की, तो आर्प स्कैन कभी भी आपको आपकी मशीन का IP एड्रेस नहीं दिखाता, आपको कभी भी यहाँ पर खुद की मशीन का IP एड्रेस नहीं मिलेगा ARP स्कैन के अंदर, राइट। अदर देन दिस आप अगर रिजल्ट वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ से भी, यहाँ से आप रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हो। अगेन अदर देन दिस एक और टूल आता है, इसको आप यूज कर सकते हो, बट वो कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता, उसका सब मन का मोजी मान लो बेशक उसको, तो वो कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा, दैट वॉज योर नेट डिस्कवर, राइट। यहाँ पर आप अगर सिंपल नेट डिस्कवर लिख के एंटर प्रेस करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट आपके ARP पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करेगा, वो भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए 192.168.0.0/16 के लिए, राइट। बट हमारा नेटवर्क डिफरेंट है तो हमें उस टाइम पे यहाँ एक ऑप्शन यूज करना पड़ता है, दैट वाज योर -r फॉर द पर्टिकुलर नेटवर्क रेंज, ठीक है। आपको यहाँ एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा
-R, नेटवर्क रेंज के लिए सिंपल एरो स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पर 1.1.1.0 एंड /24, तो कर दो एंटर प्रेस। चांसेस है आपको यहाँ पर रिजल्ट मिले या रिजल्ट ना भी मिले, चांसेस दोनों ही, और मुझे यहाँ पर इस बार भी रिजल्ट नहीं मिले, राइट। तो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं, मे भी काम करे मे भी काम ना भी करे, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आप रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो इन चीज़ों के थ्रू, बेसिक टूल्स के थ्रू, राइट। इसके अलावा भी बहुत से टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, बट ये हमेशा काम करते हैं, काफी अच्छे टूल्स हैं, आप इनको यूज करो, कोई दिक्कत फेस नहीं होगी आपको, राइट। अदर देन दिस, जब आपको एक्टिव मशीन्स मिल जाए तब आप सिंपल स्विच कर सकते हो आइडेंटिफाइंग द ओपन पोर्ट, आइडेंटिफाइंग द लाइव सर्विसेज को लेके, कि मुझे भी एक्टिव सर्विसेज आइडेंटिफाई करने हैं वहां पर, या फिर मुझे भी ओपन पोर्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं मशीन्स के ऊपर, राइट। उस चीजों के लिए आपका एनमैप से बढ़िया टूल नहीं है। अगेन आप अगर सिंपल टाइप करते हो एनमैप और आप यहाँ पर कोई भी आईपी एड्रेस डालते हो, लेट्स से मैंने अभी के लिए डाला है 1.3, राइट, तो एनमैप आपके सिंपल आपकी सिंपल सिंक रिक्वेस्ट SYN एनमैप से आप सिंपल हटा देते हैं, एनमैप आपका सिंपल सिंक फ्लैग्स को सेंड करेगा हर एक पोर्ट के लिए। लेट्स से मुझे टेस्ट करना है पोर्ट नंबर 80 पोर्ट नंबर 443, राइट। एनमैप पहले एक सिंक फ्लैग एक सिंक रिक्वेस्ट भेजेगा पोर्ट नंबर 80 के पास, अगर उसे वहां से मिलता है एक्नोलेजमेंट प्लस, तो अगर उसे वहां पर रिस्पॉन्स में मिलता है सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट दिस वन, राइट, तो वहां पर आपका एनमैप बोलेगा कि हाँ आपकी जो सर्विस है वो रनिंग स्टेट में है, राइट। जो आपकी मशीन रिप्लाई में सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट तभी भेजती है जब वो उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हो, राइट। अदरवाइज आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, रीसेट फ्लैग RST फ्लैग, राइट। ये भी देख लेते हैं लगे हाथ, आ जाओ वापिस, इससे पहले तो अपना वायर शार्क रीसेट कर लेता हूँ एक बार, स्टॉप एंड कंटिन्यू। एक और चीज, एनमैप आपके पोर्ट्स को रैंडम ऑर्डर में टेस्ट करता है, लेट्स से वो स्टार्ट कर देगा पोर्ट नंबर 80 से, चला जाएगा पोर्ट नंबर 20 के ऊपर, चला जाएगा पोर्ट नंबर 3 के ऊपर, फिर जाएगा पोर्ट नंबर 443 के ऊपर, देन पोर्ट नंबर 53, तो पोर्ट्स को रैंडम ऑर्डर में टेस्ट करता है वहां पर, राइट। बट आप अगर चाहो कि पोर्ट्स मुझे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में टेस्ट करने हैं, उसके लिए आप ये ऑप्शन -R यूज कर सकते हो वहां पर पोर्ट्स को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में टेस्ट करने के लिए, ठीक है। करते हैं एंटर प्रेस, तो मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज मिले वहां पर, मैं भाषा के ऊपर वापिस आता हूँ, चेक करते अभी के लिए पोज, पर थोड़ा नीचे, यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट गई है यहाँ पे, यू कैन सी फ्रॉम पैकेट नंबर 56, राइट, यहाँ पर सोर्स आईपी एड्रेस कौन सा है, 1.17, मेरी काली लिनक्स मशीन, राइट, डेस्टिनेशन कौन है वहाँ पर 1.3, मेरा कोई भी एक विक्टिम मशीन, राइट, प्रोटोकॉल TCP यूज हो रहा है वहाँ पर, सोर्स का पोर्ट नंबर ये है, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सोर्स का पोर्ट नंबर, राइट में मिलेगा आपको डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, राइट। तो सोर्स का पोर्ट नंबर कौन सा यूज हुआ है, 45503, राइट, और हमने किस पोर्ट को टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, पोर्ट नंबर 1 को, ये था आपका डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, राइट। तो आपका एन मैप हर एक पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा 1 by 1, एन मैप के कॉमन 1000 पोर्ट्स को ही टेस्ट करता है बाय डिफॉल्ट, एन मैप बाय डिफॉल्ट 1000 कॉमन पोर्ट्स को ही टेस्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो मिसिंग पोर्ट दिख रहे हैं लाइक पोर्ट नंबर आपका पोर्ट नंबर 2 हो गया, पोर्ट नंबर 5 हो गया, देन पोर्ट नंबर 8 हो गया, वो एनमैप के कॉमन पोर्ट्स की लिस्ट में नहीं आते, सिंपल। उन्हें कैसे टेस्ट करना है वो भी बताऊंगा मैं अभी, बट अगेन मेरे मशीन से एक रिक्वेस्ट गई 1.3 के सिंक SYN, यू कैन सी हियर, अगर उसे रिप्लाई में मिलता है सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट, यू कैन से कि वहां पर आपकी मशीन कनेक्शन एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज अगर उसे मिलता है RST रीसेट फ्लग रीसेट लैग रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि ये जो मेरे पास राइट पैकेट्स हैं ये कहाँ से आए हैं, 1.3 मेरी विक्टिम की मशीन से, कहाँ पर 1.17 मेरी काली लिनक्स के ऊपर, विक्टिम ने मुझे रिप्लाई किया है 1.3 से 1.17 मशीन के ऊपर, अगेन फ्रॉम पोर्ट नंबर 1 टू पोर्ट नंबर 45503 विद द RST फ्लैग रीसेट फ्लैग। आपको अगर रिस्पॉन्स मिलता है RST फ्लैग, मतलब उस पोर्ट के ऊपर आपकी मशीन कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करती, बेसिक। बट इन केस आपको रिप्लाई में मिलता है सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट,
मैं जाता हूँ पैकेट नंबर 76 के पास, पैकेट नंबर 76 दिस वन। यहाँ पर एक कनेक्शन रिक्वेस्ट गई है पोर्ट नंबर 21 के ऊपर, यू कैन सी हियर राइट। और मुझे यहाँ पर पैकेट नंबर 87 पे मुझे एक रिप्लाई मिला है पोर्ट नंबर 21 से, सेम पोर्ट नंबर 45503 के ऊपर विद द सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट राइट। मुझे रिप्लाई मिला है सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट के साथ राइट। इट मींस आपका पोर्ट नंबर 21 ओपन है वहां पर, और मुझे रिस्पॉन्स में पोर्ट नंबर 21 यहाँ ओपन मिला है राइट। आप अगर वायर शार्क को यूज ना करना चाहो एनालाइज करने के लिए, देन यू कैन यूज अ ऑप्शन लाइक दिस वन। अपनी सेम ही कमांड एग्जीक्यूट करो, एक और ऑप्शन यहाँ पर यूज कर लो हाइफन हाइफन रीजन और कर दो एंटर प्रेस। आपको यहाँ पर प्रॉपर रीजन मिलेगा कि वो पोर्ट क्लोज स्टेट या फिर पोर्ट आपका ओपन स्टेट में क्यों है राइट। तो मुझे रिस्पॉन्स में मिला है सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट, तो कहे पोर्ट नंबर 21 ओपन स्टेट के अंदर है राइट। आपका एनवीआर को मल्टीपल पोर्ट्स मल्टीपल स्टेट दिखा सकता है। अगर बात करें एक पर्टिकुलर पोर्ट को टेस्ट करने की, लेट्स से मुझे कोई पर्टिकुलर पोर्ट टेस्ट करना है, जैसे 1000 कॉमन पोर्ट टेस्ट नहीं करने, मुझे कोई पर्टिकुलर पोर्ट पोर्ट टेस्ट करना है, उस टाइम पे मैं एक ऑप्शन यूज करूंगा हाइफन पी। आप ऑप्शंस को कहीं भी लिखो, स्टार्टिंग में एंडिंग में बीच में, डजेंट मैटर राइट। मैं यूज करूंगा हाइफन पी ऑप्शन, और मैं यहाँ पर एक सिंगल पोर्ट टेस्ट करूंगा, लेट्स से पोर्ट नंबर 5 को टेस्ट करूंगा मैं बस। मुझे एक सिंगल पोर्ट पोर्ट नंबर 5 टेस्ट करना है, तो आप एक सिंगल पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करो और एंटर प्रेस कर दो। आपके मल्टीपल पोर्ट्स टेस्ट करने हो तो या तो आप कोमा यूज करके मल्टीपल पोर्ट नंबर डालो वहां पर, या फिर आप प्रॉपर रेंज भी दे सकते हो वहां पर। लेट्स से मुझे पोर्ट नंबर 5 से लेके मुझे पोर्ट नंबर 100 तक सबको टेस्ट करना है वन बाय वन। उसमें 5 भी होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। उसमें कोई भी पोर्ट मिस नहीं होगा आपका, कोई 1000 कॉमन पोर्ट्स का चक्कर नहीं है वहां पर। आपके हर एक पोर्ट के पास कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी राइट। गत्ते से टेस्ट, मुझे यहाँ पर कुछ लिमिटेड पोर्ट्स मिले हैं, बट जस्ट टू शो यू द अदर स्टेट, मैं अभी के लिए एक सिंगल पोर्ट पोर्ट नंबर 5 को टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या मिला है, पोर्ट नंबर 5 टीसीपी पोर्ट स्टेट क्लोज है वहां पर, सर्विस आरजेई चल रहा है, सर्विस को भूल जाओ अभी के लिए, सिंपल छोड़ो सर्विस को अभी के लिए, इंपॉर्टेंट है सिंपल स्टेट। आपका पोर्ट नंबर 5 क्लोज स्टेट में है। आप अगर मल्टीपल पोर्ट्स को टेस्ट करते हो, अगर उनमें से कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है तो आपको दिखाएगा कि सभी पोर्ट्स क्लोज है। अगर उनमें से एक भी पोर्ट ओपन स्टेट में मिलता है तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ ओपन पोर्ट्स ही दिखाएगा राइट। जब मैंने टेस्ट किया एक रेंज को पोर्ट नंबर 5 से लेके पोर्ट नंबर 100 तक, तो मुझे सिर्फ उसने ओपन पोर्ट्स दिखाए हैं वहां पर, ना कि क्लोज पोर्ट्स राइट। तो ये केसेस भी बनते हैं, बट आप ऑप्शन ये यूज कर सकते हो हाइफन हाइफन रीजन। आपको जब चेक करना हो कि पोर्ट क्लोज क्यों बताया है वहां पर, बिकॉज वहां पर एक रीसेट फ्लैग रिसीव हुआ है वहां से 15 की मशीन से, इसलिए आपका पोर्ट नंबर 5 क्लोज है वहां पर राइट। आपका ये रीजन मशीन के अकॉर्डिंग या फिर ओएस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, आपको रीजन अलग दिख सकता है। लेट्स से मैं अगर टेस्ट करता हूँ किसी और मशीन को, चलते हैं 1.14 के साथ, आई थिंक 14 मशीन एक्टिव था। ये कह रहा है स्टेट है फिल्टर्ड, और रीजन क्या है, नो रिस्पॉन्स। मतलब मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट तो भेजी बट वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। आपको रिस्पॉन्स दो केस में नहीं मिलते, या तो आपकी मशीन एक्टिव नहीं है अभी, मशीन पावर ऑफ है, दूसरा केस या फिर आपकी फायरवॉल इन पोर्ट्स के लिए कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। आपको पैकेट का जो पैकेट होगा वो फायरवॉल ने बाहर ही ड्रॉप कर दिया, सिस्टम तक पहुंचा ही नहीं वो राइट। अगर आपकी फायरवॉल आपके पैकेट्स को ब्लॉक कर रही है, उस टाइम पे आपको स्टेट मिलेगी फिल्टर्ड, आपको रीजन मिलेगा नो रिस्पॉन्स। यहाँ पर भी अगेन स्टेट इंपॉर्टेंट, आपकी फिल्टर्ड, फिल्टर्ड का मीनिंग आपकी फायरवॉल के पैकेट्स को ब्लॉक कर रही है वहां पर, सिंपल राइट। तो मशीन के लिए आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं वहां पर। मैं अगर ट्राई करता हूँ 1.19 को लेके, रखी मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, अगेन क्लोज स्टेट, रीजन अगेन रीसेट ही है वहां राइट। आपको रीजन भी डिफरेंट मिल सकते हैं वहां पर, स्टेट भी डिफरेंट मिल सकती है वहां पर। ये तो हो गया बेसिक आपके पोर्ट्स को लेके।
सिंपल करते हैं इसको, ये लो। और मेरी बेसिक कमांड है, अभी मुझे 1.19 को टेस्ट करना है, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 5 को टेस्ट करना है, राइट। तो पोर्ट में आप मल्टीपल पोर्ट्स को भी टेस्ट कर सकते हो, पोर्ट रेंज को भी टेस्ट कर सकते हो, विच इज क्लियर है आई होप। अदर देन दिस लेट्स से आपको अगर चेक करना कि वहां पर फायरवॉल एक्टिव है या नहीं है, आपको सिंपल चेक करना है कि फायरवॉल एक्टिव है नहीं है। आपको वहां पर पोर्ट स्कैनिंग नहीं करनी, आपका फोकस है कि बस मुझे चेक करना है कि फायरवॉल एक्टिव है या नहीं है, राइट। उस केस में आप सिंपल यूज करते हो एक ऑप्शन हाइफ़न स्मॉल एस एंड कैपिटल ए। ये ऑप्शन आपका यूज होता है जब आपको स्टार्टिंग में कनेक्शन रिक्वेस्ट के अंदर आपके सिंक फ्लैग्स की जगह आपको डायरेक्टली एक्नोलेजमेंट फ्लैग, आप डायरेक्टली कनेक्शन रिक्वेस्ट की जगह एक रिसिप्ट भेज रहे हो आपके विक्टिम के पास। अगर उन रिसिप्ट के लिए आपका विक्टिम आपको रिस्पॉन्स करता है, आपके पास रिस्पॉन्स भेजता है, राइट, इट मीन्स फायरवॉल एक्टिवेट नहीं है। आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इट मीन्स आपके फायरवॉल एक्टिव है वहां पर, राइट। इट मीन शो यू द रिजल्ट, करते हैं रिसेट और कमांड करते हैं एग्जीक्यूट। मुझे पोर्ट प्रॉपर रेंज देनी पड़ेगी वहां पर, लेट्स से 1 to 500 चलते हैं सिंपल, और कर दो एंटर प्रेस। वो कह रहा है ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स फॉर 1.19 आर अनफिल्टर्ड। इसका रिस्पॉन्स दिखाने से पहले मैं एक कमांड और एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर, बट फॉर द डिफरेंट आईपी एड्रेस दिस टाइम, लेट्स गो विद 1.14 और कर दो एंटर प्रेस। मुझे यहाँ रिस्पॉन्स मिला है ऑल 500 स्कैन पोर्ट्स ऑन दिस आईपी एड्रेस 1.14 आर फिल्टर्ड। मतलब क्या है, अब सिंपल इसको एनालाइज करते हैं। पहले जब मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट, जब मैंने सिंपल एक्नोलेजमेंट फ्लैग्स भेजे 1.19 के पास, तो मुझे वहां से हर एक पोर्ट के लिए 1.5, 135, 139 इन्हीं पोर्ट से मुझे आरएसटी फ्लैग्स भी मिले हैं। कोई एक्नोलेजमेंट नहीं आया वहां से, बट मुझे वहां से रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स में कुछ भी हो, डजंट मैटर, मुझे रिस्पॉन्स मिला है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपको अगर रिस्पॉन्स मिलता है, इट मीन्स आपकी फायरवॉल वहां पर एक्टिव नहीं है, राइट। आपको अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो, आपको अगर वहां पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेट्स से उस टाइम पे यू कैन से कि आपकी जो फायरवॉल है, राइट, वो वहां पर एक्टिव है। आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फायरवॉल एक्टिव है, अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो फायरवॉल एक्टिव नहीं है। तो स्क्रोल डाउन कर लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पैकेट नंबर कितना था, पैकेट नंबर 1079। यहाँ से मेरी मशीन 1.17 ने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, तो कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजी, सिंपल एक्नोलेजमेंट फ्लैग्स भेजे हैं 1.14 के ऊपर, ठीक है। पोर्ट नंबर 135, 445, 139, 443 डिफरेंट पोर्ट्स के पास रिक्वेस्ट गई हैं, बट सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही हैं। यू कैन सी सोर्स एड्रेस, यहाँ पर सिर्फ मेरी मशीन से पैकेट्स गए हैं, मुझे वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, राइट। एक और चीज, आपका एनमैप एक पोर्ट को कम से कम 2 बार टेस्ट करता है, कम से कम 2 बार, राइट। बट इसका अगर मन किया तो ये 3 बार भी टेस्ट कर लेता है कभी कभी। उस चीज को कम ज्यादा करने के लिए कितनी बार टेस्ट करना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट कम से कम ये 2 बार टेस्ट करता ही है एक पर्टिकुलर पोर्ट को, राइट। अगर आपको रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिलता है, इट मीन्स फायरवॉल एक्टिवेट है। अगर रिस्पॉन्स में आपको कुछ भी मिले, इट मीन्स आपकी फायरवॉल एक्टिव नहीं है वहां पर, सिंपल। ये था बेसिक फायरवॉल को आइडेंटिफाई करने के बेसिक तरीका। अदर देन दिस, अगर आपकी विंडोज की जनरल फायरवॉल है, राइट, तो विंडोज की जनरल फायरवॉल्स के अंदर अगर आपके फायरवॉल के ऊपर पहले कभी कोई डॉस अटैक वगैरह हुआ है, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ इन मशीन के ऊपर डॉस अटैक वगैरह, अगर वहां पे कभी डॉस अटैक हुआ है सिंपल पिंग से, तो आपकी मशीन आपके पिंग को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देती है। और मैं अगर ट्राई करता हूँ 1.14 को पिंग करने की, जस्ट बिकॉज मैंने सेम ही मशीन से डॉस अटैक परफॉर्म किया था 1.14 के ऊपर पहले, तो मेरी मशीन मेरी पिंग रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भी नहीं देगी वहां पर, राइट।
मेरे पास से पिंग रिक्वेस्ट जाएंगे बट मुझे रिस्पॉन्स में वहां से कुछ नहीं मिलेगा। यू कैन सी सिर्फ एको रिक्वेस्ट जा रही है मेरे पास से, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक। राइट, दिस पिंक पैकेट्स आर यूज फॉर द पिंग। ये गुलाबी पैकेट्स आपके पिंग के लिए यूज होते हैं, इनको आप एको रिक्वेस्ट बोलते हो। राइट, तो आप मशीन को पिंग भी नहीं कर पाओगे। मैं अगर ट्राई करता हूँ 1.19 के ऊपर तो मैं यहाँ पर मशीन को पिंग कर पा रहा हूँ इजीली। मैं अगर ट्राई करता हूँ 1.3 को लेके तो मैं यहाँ पर मशीन को इजीली पिंग कर पा रहा हूँ। राइट, एक और चीज, आप जब मशीन को पिंग करते हो तो फिर आप मल्टीपल रिजल्ट मिलते हैं आपका, उनमें से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये TTL वैल्यू, इसको आप बोलते हो टाइम टू लिव। लेट्स से मैंने जो डायग्राम बनाया था यहाँ पर, ये वाला M1 से लेके M5 पर हम जो मैसेज भेज रहे थे, वहां पर आपका M1 जब पैकेट भेजेगा M5 के पास, वहां पर पैकेट भेजने से पहले आपका M1 पैकेट के अंदर एक वैल्यू सेट करता है, उसको आप बोलते हो TTL। तो आप बोलते हो TTL मतलब क्या है, आपका पैकेट जब भी किसी मशीन के पास जाएगा तो TTL की जो स्पेसिफाइड वैल्यू, लेट्स से कितनी वैल्यू थी यहाँ पर 128। राइट, पैकेट M1 से गया M2 के पास, मान लो यहाँ पर नीचे M2 के पास, M2 TTL वैल्यू में से एक माइनस कर देगी वहां पर। TTL इक्वल्स टू 128 माइनस 1, रिजल्ट आएगा 127, और TTL की नई वैल्यू क्या बनेगी, 127। राइट, इसको आप बोलते हो नंबर ऑफ हॉप्स काउंट करने के। लेट्स से अगर मेरी पैकेट को 128 मशीन्स के पास जाने के बावजूद मेरी डेस्टिनेशन नहीं मिलती है, मैं पैकेट को भेज रहा हूँ M1 से M5 के पास, और अगर मेरे पैकेट्स 128 मशीन्स के पास जाने के बावजूद M5 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पैकेट्स अपने आप डिलीट हो जाएंगे वहां पर, ताकि नेटवर्क के अंदर वो घूमते ना रहे पागलों की तरह। राइट, या फिर नेटवर्क के अंदर कंजेशन ना हो, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप जनरली TTL वैल्यू यूज करते हो। अगेन, TTL स्टैंड्स फॉर टाइम टू लीव, जिसके थ्रू आप चेक करते हो कि पैकेट कितनी देर नेटवर्क के अंदर रहेगा, फिर पैकेट कितने नंबर ऑफ मशीन्स के पास जाएगा और फिर अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा। राइट, तो टाइम टू लिव एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर आपकी हर एक OS के लिए, अगर बात करूँ विंडोज की, लाइनक्स की, एंड्रॉइड की, आपके मैक्स की, आपके आईफोन्स की, ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस के लिए, नॉट फॉर द डिवाइस, ऑलमोस्ट हर एक OS के लिए स्पेसिफिकली आपके पास एक यूनिक TTL वैल्यू होती है। जनरली एक यूनिक TTL वैल्यू आपको मिलती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर बात करूँ विंडोज मशीन की, तो विंडोज में आपको TTL वैल्यू मिलता है 128, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे 8, 8.1 हो, चाहे विंडोज 10। राइट, विंडोज XP में भी आई एम नॉट श्योर 128 आता था नहीं आता था, बट अगेन नाउअडेज विंडोज में 128 TTL वैल्यू आपको मिलता है। राइट, अगर बात करूँ लाइनक्स की, TTL वैल्यू आपको मिलता है जनरली 64। एक प्रॉपर चार्ट देख लो कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कौन सी TTL वैल्यू आपके पास स्पेसिफाइड रहती है। बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम उसी TTL वैल्यू के साथ आपके पैकेट्स को सेंड कर सकता है। जस्ट कॉल इट हियर TTL वैल्यू विद OS चार्ट, कोई भी लिंक ओपन कर लो। मुझे यहाँ प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हैं कुछ, राइट, और उनकी TTL वैल्यूज भी हैं, वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, TCP अलग है और UDP आपका अलग है। राइट, आपका मैक OS X TTL वैल्यू 64 ही यूज करता है, आपका Linux भी 64 ही यूज करता है, Solaris 255 यूज करता है, विंडोज पहले 32 यूज करता था, अब 128 यूज करते हैं विंडोज में। राइट, आई गो बैक हियर, यहाँ पर लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, के वर्जन्स के लिए, प्रोटोकॉल्स को लेके और TTL वैल्यूज को लेके। अब यहाँ से भी सिंपल TTL वैल्यू के बिहाफ पे आप एक सिंपल आपको एक हिंट मिल जाता है कि बैकग्राउंड में विंडोज चल रहा है या फिर लाइनक्स चल रहा है। बट अगेन, आप TTL वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो डिवाइसेस के अंदर। राइट, वो केसेस भी बनते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब वैल्यूज चेंज करो TTL को लेकर, बट आप कर सकते हैं। राइट, तो अदर देन दिस सिंपल फायरवॉल और पिंग की बात करूँ तो आपको अगर याद हो तो हमने अपने IP एड्रेसेस
हमारे पास हमें 3 IP addresses मिले थे, 1.3, 1.14 और 1.19. आपको अगर तीनों को एक साथ टेस्ट करना हो nmap, मुझे तीनों IP addresses को वन बाय वन टेस्ट करना है. 1.3 मान लो पहले, उस टाइम पे या तो आप प्रॉपर एक रेंज दे दो यहाँ पर कि मुझे 1.3 से लेके 1.20 तक मुझे सभी IP addresses को टेस्ट करना है, राइट? उस केस में या फिर किसी भी पोर्ट स्कैनिंग से पहले आपका nmap पहले मशीन्स को पिंग करता है. अगर मशीन्स आपके पिंग का रिप्लाई देती हैं, तभी आपका nmap पोर्ट स्कैनिंग के लिए रेडी रहता है, राइट? अगर आपकी मशीन्स पिंग का रिप्लाई करती है तो आपका nmap पोर्ट स्कैनिंग के लिए प्रोसीड करेगा, अदरवाइज आपका nmap पोर्ट स्कैनिंग के लिए प्रोसीड नहीं करेगा वहां पे. अदर देन दिस, आपको अगर प्रॉपर रेंज देती है, हम प्रॉपर रेंज देते हो 1.3 से लेके 1.20, तो वन बाय वन सभी मशीन को पहले nmap पिंग करेगा. अगर मशीन से रिप्लाई आता है पिंग का, तो वो उन्हें वो सिंपल टेस्ट करेगा, तो सिंपल टेस्ट नहीं करेगा वहां पर, पोर्ट स्कैनिंग के लिए पैकेट्स नहीं भेजेगा वहां पर. तो आप यहाँ पर प्रॉपर रेंज भी दे सकते हो यहाँ पर, और आपको अगर रेंज देने का मन ना करे, राइट, तो आप एक स्पेस दो बीच में और आपका दूसरा IP address यहाँ पर नोट डाउन कर दो, 14. आप तीसरा भी दे सकते हो अगेन 1.19, कोई चौथा है तो वो भी दे सकते हो आप यहाँ पर अगेन, ये पांचवा है तो वो भी दे सकते हो आप यहाँ पर अगेन, डजंट मैटर, राइट? तो आप ये भी कर सकते हो, आप मल्टीपल मशीन्स को एक साथ टेस्ट कर सकते हो यहाँ पर. या फिर अगर आपने सिंपल एक्टिव मशीन्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है, उस केस में आप सिंपल nmap कमांड लिखो, नेटवर्क एड्रेस स्पेसिफाई करो विद द CIDR वैल्यू और कर दो एंटर प्रेस, राइट? ये पहले मशीन्स को चेक करेगा ARP के अकॉर्डिंग. मैं अगर ऊपर जाऊँ थोड़ा सा, कहीं पैकेट से आपका nmap पहले हर एक मशीन के लिए पहले ARP पैकेट भेजेगा, एंड देन अगर रिप्लाई मिलता है वहां से तो उसे सिंपल टेस्ट करेगा, या फिर वो पहले पिंग करेगा देन टेस्ट करेगा, राइट? अदर देन दिस, आपको नेटवर्क एक साथ टेस्ट कर सकते हो, आपको हर एक मशीन के लिए रिजल्ट मिलते हैं वहां पर. तो मुझे यहाँ रिजल्ट मिला है 1.2 के लिए, और वो कह रहा है यहाँ पे कि पोर्ट नंबर 53 जिसके ऊपर सर्विस चल रही है आपकी, DNS डोमेन नेम सिस्टम की सर्विस चल रही है वहां पर, ये इस 1.2 के ऊपर एक लौती सर्विस अभी रनिंग स्टेट में है आउट ऑफ 1000 कॉमन पोर्ट्स, ठीक है? अगर बात करूँ 1.3 को लेके, तो वहां पर ये सभी सर्विसेज चल रही हैं अभी के लिए. अगर बात करूँ 1.14 को लेके, तो वहां पर एक कॉमन सर्विस चल रही है आपका WSTAPI. बात करूँ 1.19 को लेके, तो वहां पर एक कॉमन सर्विसेज चल रही है आपकी DSWAN. तो आप पूरे नेटवर्क को एक साथ टेस्ट भी कर सकते हो, राइट? अदर देन दिस, आपको याद हो तो हमने अपने IP addresses एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर किए थे, राइट? आपको अगर आपके IP addresses एक पर्टिकुलर फाइल से उठाने हो वन बाय वन एंड देन उन्हें टेस्ट करना हो, उस टाइम पे यू कैन जस्ट गो विद द कमांड nmap -i and L, से आप बोलते हो इनपुट लिस्ट, राइट? तो आप इसके थ्रू भी पूरी पूरी लिस्ट को एक साथ टेस्ट कर सकते हो वन बाय वन, राइट? एंड जस्ट गो विद द पाथ. आपकी फाइल अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है, तो प्रॉपर डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा. अगर एक्सएमएल फाइल अगर डाउनलोड्स के अंदर होती, मुझे प्रॉपर पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता वहां पर, बट जस्ट बिकॉज मेरी फाइल अभी इसी डायरेक्टरी के अंदर है डायरेक्टली, तो मुझे इजीली कॉल कर सकता हूँ वहां पर, राइट? तो द एंटरप्राइज यहाँ पर आपका एंड में वन बाय वन सभी IP addresses को टेस्ट करेगा, राइट? अदर देन दिस, जस्ट बिकॉज मेरे पास जो IP address था ये दिस वन, पहले सुडो शुरू कर लेते हैं एक बार. मेरे पास यहाँ जो IP address था आई थिंक 1.19 1.14 था मे बी, या आपका जो IP address है 1.14, राइट? आप अगर सिंपली टेस्ट करते हो इसे nmap एंड देन 1.14,
तो चांसेस है कि आपका एनमैप आपको इसके लिए कह दे कि आपकी मशीन एक्टिव ही नहीं है, बिकॉज पहले वो पिंग करेगा एंड देन टेस्ट करेगा कि हाँ मशीन एक्टिव है या नहीं है। तो अगर पिंग का रिप्लाई नहीं मिला तो कह दिया कि मशीन एक्टिव ही नहीं है, उस केस में आपको है एक ऑप्शन यूज करना पड़ता है टू स्पेसिफाई कि मशीन को पिंग मत करो, बस अपने आप उसे टेस्ट करो, मशीन को पिंग नहीं करना है आपको। बिना पिंग किए बिना चेक किए कि मशीन एक्टिव है या नहीं है, आप उसे कोड स्कैनिंग के लिए सिंपल स्कैन करो, उसके लिए आप यूज करते हो ऑप्शन एनमैप हाइफन कैपिटल पी स्मॉल एन, जस्ट टू स्पेसिफाई कि मशीन को पिंग नहीं करना है, वो एक्टिव है या नहीं है उन्हें टेस्ट नहीं करना है आपको, बस सिंपल कोड स्कैनिंग करो जो उसका रिजल्ट दो एंड दैट्स ऑल, राइट। उसके लिए आप यूज करते हो ऑप्शन हाइफन कैपिटल पी एंड स्मॉल एन, एंड अगेन जस्ट गो विद द आईपी एड्रेस हियर 1.14 और कर दो एंटर प्रेस, राइट। अब ये आपको मुझे दिखा भी रहा है यहाँ पर होस्ट डिस्कवरी डिसेबल्ड है, मतलब वो चेक नहीं करेगा कि मशीन एक्टिव है या नहीं है, अदर देन दिस मुझे मेरी प्रीवियस टैब के अंदर आई होप रिस्पॉन्स मिल गया होगा, या तो मुझे सिंपल रिजल्ट मिला आई एल के लिए इनपुट लिस्ट, वहाँ पर 3 IP एड्रेसेस थे 1.3 मुझे उसके लिए रिस्पॉन्स मिला, 1.14 मुझे उसके लिए भी रिस्पॉन्स मिला है, 1.19 मुझे उसके लिए भी रिस्पॉन्स मिला है, राइट। आपको अगर 1000 कॉमन पोर्ट्स के अलावा मल्टीपल पोर्ट्स टेस्ट करने हो तो अगेन सिंपल ऑप्शन है वहाँ पर भी एनमैप हाइफन पी पोर्ट रेंज डाल दो, वहाँ पर 0 से लेके 65535, अगर आपको सभी के सभी पोर्ट्स टेस्ट करने हो तो, राइट। जैसे आपको रेंज देनी है बस वहाँ पर, राइट। अदर देन दिस आपका एनमैप बाय डिफॉल्ट आपके सिंपल TCP पोर्ट्स को ही टेस्ट करता है, कोई UDP को टच भी नहीं करता। आपको अगर UDP पोर्ट्स टेस्ट करने हो स्पेसिफिकली, TCP को छोड़ो UDP पे आ जाओ, उसके लिए आप यूज करते हो ऑप्शन हाइफन स्मॉल एस कैपिटल यू, इट स्टैंड फॉर स्कैन द UDP पोर्ट्स, राइट। आपको जब UDP पोर्ट्स चेक करने स्कैन करने हो पर्टिकुलरली, उस टाइम पे आप ये ऑप्शन यूज करते हो हाइफन स्मॉल एस एंड कैपिटल यू, राइट, और कर दो IP एड्रेस तक एंटर प्रेस। IP एड्रेस क्या था मेरे पास 1.3 ले लेते हैं अभी के लिए सिंपल, तो मैं एक पर्टिकुलर पोर्ट ही टेस्ट करूंगा वहां पर, लेट्स गो विद पोर्ट नंबर 1, 2, लेट्स से 10, बस सिंपल स्टार्टिंग के 10 पोर्ट्स टेस्ट करूंगा बिकॉज UDP पोर्ट स्कैनिंग टाइम कंज्यूमिंग है। अगेन एंटर प्रेस करते हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। अगर आपको स्कैनिंग फास्ट करनी हो वहां पर कि मुझे जल्दी जल्दी स्कैन करके दिखाओ कि मेरे से कौन सा पोर्ट एक्टिव है कौन सा पोर्ट एक्टिव नहीं है, उसके ऑप्शन भी हैं, फॉर फास्टर स्कैनिंग के ऑप्शन भी हैं। फॉर दैट जस्ट गो विद द कमांड एनमैप हाइफन कैपिटल टी, टी आप यूज करते हो टाइम डिले इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए, राइट। एनमैप उस पर्टिकुलर टाइम डिले के बाद ही आपके नेक्स्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। आप अगर उस डिले को कम करना चाहो फिर ज्यादा करना चाहो तब को यहाँ पर कुछ नंबर्स यूज करने पड़ते हैं, उन नंबर्स के प्रॉपर वर्ड्स भी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पैरानोर डेस्टिनी की देन और भी नाम से वहां पर नॉर्मल है वहां पर इनसेन भी है अग्रेसिव भी है डिफरेंट नेम्स है वहां पर। नेम्स के लिए जस्ट गो विद द कमांड एनमैप सॉरी मैन एनमैप, बिकॉज सारा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कहाँ है मैनुअल पेज के अंदर तो वहीं चलते हैं। मैं यहाँ पर एक कमांड यूज कर रहा हूँ ग्रैप, जो मेरी कमांड है लेफ्ट साइड में उसका जो भी आउटपुट आएगा ये पाइप जो बीच में लिखा है ये उससे जो कमांड लेफ्ट में है उसका जो आउटपुट आएगा उसको मेरे राइट कमांड के एज इनपुट भेज देगा ये पाइप, राइट। तो लेफ्ट का जो भी आउटपुट आएगा तो मेरी राइट कमांड का इनपुट बनेगा वहां पर, राइट। और मुझे यहाँ पर सिंपल क्या चेक करना है सिंपल चेक करते हैं स्नीकी के लिए, गलत है भाई। ओके हमें यहाँ मिल जाएंगे टाइम के ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। सबको हम प्रॉपर ये ऑप्शन मिल रहा है हाइफन टी। आपको अगर सबसे स्लोएस्ट स्कैन चलाना है जहाँ पर टाइम डिले बहुत ज्यादा होगा उसके लिए आप यूज करते हो ये ऑप्शन पैरानोइड, उसके लिए आप नंबर यूज करते हो 0। अगर थोड़ा सा फास्ट करना है तो आप नंबर यूज करते हो स्नीकी विद नंबर 1, देन वी हैव द पोलाइट विद नंबर 2,
और एन मैप बाय डिफॉल्ट नंबर 3 विद नॉर्मल स्कैन के साथ काम करता है, राइट। इसके अलावा दो नेम्स और है आपके पास, नंबर 4 के लिए आप यूज करते हो अग्रेसिव वर्ड, नंबर 5 के लिए आप यूज करते हो इनसेन वर्ड, राइट। इनसेन में टाइम डिले है ही नहीं, और पैरानोइड में टाइम डिले काफी ज्यादा है, अराउंड 1 मिनट भी मान सकते हो आप। एक पैकेट गया देन 1 मिनट वेट करेगा आपका एन मैप, देन सेकेंड पैकेट भेजेगा वो। तो ये केसेस भी हैं। आपको अगर फास्ट स्कैन करना हो, इट मीन जस्ट शो यू द रिजल्ट फॉर द स्लो स्कैन, कि कितना स्लो हो सकता है और कितना फास्ट हो सकता है वो। आ जाओ वापस यहाँ पर, फिल्टर रिमूव करना पड़ेगा मुझे। ओके ऑल गुड, मैं पे सिंपल चलता हूँ। अगर एन मैप हाइफन कैपिटल टी ऑप्शन के साथ, और मैं यहाँ जा रहा हूँ नंबर 0 के साथ, मैं एक पर्टिकुलर पोर्ट टेस्ट करूंगा, पोर्ट नंबर 21 जो कि एक्टिव है अभी इस IP address 1.3 के ऊपर, ठीक है। एंटर प्रेस किया मैंने, अब यहाँ पर एक कनेक्शन रिक्वेस्ट गई थी मुझे, अभी भी यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिला एक पर्टिकुलर पोर्ट के लिए भी। एक सिंगल पोर्ट को टेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी भी, तो मुझे उसके लिए भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है यहाँ पर। चेक करता हूँ एथरनेट स्विच एंड यू कैन सी कि पैकेट्स कितने स्लोली जा रहे हैं वहाँ पर, राइट। आपकी स्लो स्कैन का पॉइंट क्या है, आपके स्लो स्कैन में आप फायरवॉल्स को काफी बार बायपास कर पाते हो और आपके स्लो स्कैन ज्यादा एक्यूरेट भी रहते हैं, राइट। बट आपके जो पैरानोइड है नंबर 0 के साथ, वो तो बहुत ही स्लो है, तो बहुत टाइम लेने वाला है वो तो, राइट। आपको अगर फास्ट स्कैन करना हो कि बस फटाफट स्कैन कर दो, राइट, उस टाइम पे आप यूज करते हो ये ऑप्शन हाइफन टी के साथ, मैं यूज करूंगा नंबर 4 या फिर नंबर 5 डिले को कम करने के लिए, या फिर उसको बिल्कुल ही रिमूव करने के लिए। अगर कम करना हो तो आप यूज करोगे नंबर 4, अगर बिल्कुल ही रिमूव करना हो तो आप यूज करोगे नंबर 5। अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल पोर्ट की जगह सारे के सारे पोर्ट नंबर 1 से लेके 655 35 पोर्ट्स को भी टेस्ट करता हूँ, तो वो अभी फटाफट हो जाएगा एंड आई गॉट द रिजल्ट्स, राइट। तो आप स्कैन की स्पीड को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो वहां पर विद द ऑप्शन हाइफन कैपिटल टी, राइट। इसके अलावा एनमैप के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ स्क्रिप्ट्स भी आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अगर आपको यूज करनी है उनकी स्क्रिप्ट, उनके लिए आपको या तो स्क्रिप्ट का नाम पता होना चाहिए या फिर स्क्रिप्ट की कैटेगरीज पता होनी चाहिए। कैटेगरीज आप सिंपल गूगल सर्च कर लो, एनमैप स्क्रिप्ट कैटेगरी, अदर कैटेगरीज के ऊपर आपको एनमैप के अंदर अराउंड 604 स्क्रिप्ट मिलती हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो डिफरेंट सर्विसेज को चेक करने के लिए कि उनके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी कोई वीकनेस है या नहीं है, वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, वो पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं नया वर्जन, उस चीज़ों को लेके आपके पास ऑलमोस्ट हर एक सर्विस के लिए डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करने के लिए स्क्रिप्ट हैं यहाँ पर, राइट। और उन स्क्रिप्ट को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड भी किया गया है। अगर बात करूँ कैटेगरीज की, आपको कैटेगरीज मिलेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर। अभी ये पेज ओपन है सिंपल डिफॉल्ट कैटेगरी को लेके। आपके यहाँ पर जो भी स्क्रिप्ट्स दिख रही हैं यहाँ पर, ये दी स्क्रिप्ट्स, ये सभी स्क्रिप्ट्स हैं आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी के अंदर। आप अगर डिफॉल्ट कैटेगरी की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हो तो ये सभी स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट होंगी वहां पर, सभी की सभी, राइट। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, या तो आप प्रॉपर स्क्रिप्ट का नाम दो एड्रेस हाइफन इन्फो, या तो कोई स्क्रिप्ट का नाम दो वहां पर या फिर कैटेगरी का नाम दे दो वहां पर, दोनों ही बेहतर ऑप्शन है वहां, राइट। आपको अगर स्क्रिप्ट यूज करनी हो तो बेसिक सही ऑप्शन है वहां पर हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, एक कमांड एक ऑप्शन यूज करो वहां पर हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, और ऐसे स्क्रिप्ट का नाम डाल दो लाइक एड्रेस हाइफन इन्फो, या फिर कैटेगरी का नाम डाल दो वहां पर डिफॉल्ट और कर दो एंटरप्राइज, राइट। अगेन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और हमने सभी पोर्ट्स के लिए भी एग्जीक्यूट की है, बट हमने T5 यूज किया था उसके बावजूद भी टाइम लेगा ये, क्योंकि पोर्ट रेंज काफी बड़ी दी है और आपने स्क्रिप्ट को खोल दिया है। तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट का यूसेज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मान लो, राइट, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अदर देन दिस आ जाओ वापिस, आपको अगर चेक करना हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वहां पर, राइट,
आपको ओएस फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी ऑप्शंस है यहाँ पर। अब सिंपल है तो कमांड यूज कर लो, दिस वन एन मैप हाइफन कैपिटल ओ आप यूज करते हो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए, राइट। एंड जस्ट गो विद द आईपी एड्रेस आउट देयर, 1.14 से स्टार्ट करते हैं, 1.3 से स्टार्ट कर लेते हैं ये लोग, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपकी पोर्ट स्कैनिंग भी होगी और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेंगे वहां पर। ओएस डिटेल आपका वहां पर मे बी लाइनक्स चल रहा है और उसका वर्जन कौन सा है, 2.6.33 से लेके 2.6.99 तक, राइट। आपको अगर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए तो आपके पास कुछ स्क्रिप्ट आती हैं एसएमबी के लिए, अपने नेट बायोस सर्विसेज के लिए, आप उनके थ्रू वहां पर एग्जैक्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकते हो वहां पर विद द ओएस नेम। आप मान लो विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो वहां पर विंडोज 10 मिलेगा उसका नाम, उसका प्रॉपर वर्जन मिलेगा, प्रॉपर एडिशन मिलेगा और कंप्यूटर का नाम क्या है प्रॉपर वो भी मिलेगा आपको वहां पर, बट सम स्क्रिप्ट्स को यूज करके, राइट। तो वो केसेस भी हैं, बट आप ओएस के लिए बेसिकली आप ये कमांड भी ट्राई कर सकते हो हाइफन कैपिटल ओ। इसके अलावा आपकी जो भी सर्विसेज वहां पर चल रही है हर एक सर्विस का कोई पर्टिकुलर वर्जन होता है, राइट। अगर बात करो एचटीटीपी की, एचटीटीपी के लिए आप या तो जनरली अपाचे सर्वर यूज करते हो, टॉमकैट सर्वर यूज करते हो, तो कोई वर्जन होगा ना। अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो हर एक सॉफ्टवेयर का कोई वर्जन होता है, सेम तरीके से हर एक सर्विस का वर्जन होता है। आपको तो वर्जन फाइंड आउट करने हो हर एक सर्विस के, पर्टिकुलर सर्विस के लिए, उस टाइम पे आप यूज करते हो ये ऑप्शन हाइफन स्मॉल एस एंड कैपिटल वी फॉर द वर्जन डिटेक्शन, राइट। अभी के लिए मैं ये ऑप्शन रिमूव कर रहा हूँ, हाइफन कैपिटल ओ, इसको भी लगे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो कर दो एंटर प्रेस। आपका ये ऑप्शन हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी आपकी बैकग्राउंड में कुछ स्क्रिप्ट को ही एग्जीक्यूट करेगा फॉर सर्विस वर्जन को लेके, राइट। अदर देन दिस मुझे यहाँ पर मेरी प्रीवियस टैब के अंदर मुझे रिजल्ट मिला मेरी डिफॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए, राइट। मैंने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की थी 1.3 के ऊपर, और कैटेगरी का नाम क्या था डिफॉल्ट, तो मुझे वहाँ कुछ बेसिक रिजल्ट्स मिले हैं कि जो पोर्ट 21 था जो एफटीपी सर्विस थी वहां पर आपका एफटीपी लॉगिन, तो आपका अनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड है वहां पर, राइट। आपका ये जो पाइप के साथ आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है दिस वन, ये आपका रिजल्ट है आपकी स्क्रिप्ट को लेके, राइट। चाहे सबकी सर्विस कोई भी हो, अगेन एसएच की सर्विस हो, चाहे अगेन सिंपल एसएमटीपी की सर्विस हो, चाहे सिंपल आपकी डीएनएस की सर्विस हो, अगेन आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक सर्विस के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहां पर, राइट। अदर देन दिस आपकी वहां पर एक स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूट हुई है एसएमबी हाइफन ओएस हाइफन डिस्कवरी। आपकी ये स्क्रिप्ट जनरली आपके ओएस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है आपको, राइट। अगर वहां पर एसएमबी सर्विस चल रही है तो, राइट। तो मुझे प्रॉपर नाम मिला है वहां पर, मशीन का नाम, कंप्यूटर नेम, मेटास्प्लोइटेबल नेट बायोस नेम ये ब्लैंक है यहाँ पर, डोमेन नेम लोकल डोमेन और यहाँ पर मेटास्प्लोइटेबल डॉट लोकल डोमेन, सिस्टम टाइम ये है, अकाउंट गेस्ट है वहाँ पर, ऑथेंटिकेशन लेवल यूजर है वहाँ पर, चैलेंज रिस्पॉन्स ब्ला 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 थिंग्स है यहाँ पर अगेन। बट आपको इजीली आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका यूजर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो विद दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट थ्रू एनमैप, राइट। ये बेसिक रिजल्ट था आपके सिंपल डिफॉल्ट कैटेगरीज को लेके, राइट। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को ट्राई कर सकते हो यहाँ पर वन बाय वन, तो वो भी काम करता है। अदर देन दिस आज ऑफ प्रीवियस टाइप के ऊपर वापिस, तो मुझे यहाँ रिजल्ट मिला मेरी इस पर्टिकुलर कमांड के लिए जो मैंने एग्जीक्यूट की थी ओएस डिटेक्शन के लिए और सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए, राइट। तो मुझे यहाँ पर बेसिक पोर्ट मिला है, बेसिक स्टेट मिला है वहां पर उसका, और प्रॉपर सर्विस भी मिलेगी वहां पर, एफटीपी सर्विस चल रही है वहां, राइट। इसके साथ साथ मुझे वहां पर वर्जन भी मिला है कि उसका वर्जन कौन सा है सर्विस का, 2.3.4 है वहां पर एफटीपी सर्विस का वर्जन, एसएसएच के लिए वो ओपन एसएसएच 4.7p1 यूज कर रहे हैं, टेलनेट के लिए लिनक्स टेलनेट डी यूज हो रहा है, वो डिफरेंट सर्विसेज के डिफरेंट वर्जन है यहाँ पर, राइट। तो आप सर्विसेज को पर्टिकुलर टेस्ट करने के बाद से आपको सर्विस के ऊपर कोई वीकनेस नहीं मिली, सर्विस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है, आपके यूजर इनपुट्स को प्रॉपरली हैंडल किया जा रहा है वहां पर, तो वहां कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन, कोई एरर, कोई वल्नरेबिलिटी कुछ नहीं है वहां पर, राइट। उस टाइम पे आपको यहाँ पर सर्विस वर्जन को भी टेस्ट करना होता है, हो सकता है कि सर्विस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो, वहां कोई वीकनेस ना हो, बट चांसेस है कि आप जो सर्विस का जो वर्जन यूज कर रहे हो उसके अंदर वीकनेस हो,
सिंपल समझ लो, लेट्स से आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अभी, आप अभी के लिए मान लो विंडोज एक्सपी यूज कर रहे हो, ठीक है। अब विंडोज एक्सपी आपकी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है, आपने उसके प्रॉपर प्रॉपर फायरवॉल्स लगा रखी है, प्रॉपर सब कुछ रखा है उसके अंदर, राइट। और उसके अंदर आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो पुरानी है, या फिर ये मान लो लाइक आप वहां पर जो आपने विंडोज एक्सपी के अंदर प्रॉपर एंटीवायरसेस भी रखे हैं, एंटी मैलवेयर भी रखे हैं, एंटी फायरवॉल भी रखे, फायरवॉल भी प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है वहां पर, आपने सिंपल अपने आप हर टाइप की सिक्योरिटी लगाई है विंडोज एक्सपी के अंदर, ठीक है। बट उसके बावजूद विंडोज एक्सपी खुद ब खुद वल्नरेबल है, राइट। आपने उसके अंदर की सिक्योरिटी तो देख ली, आपने विंडोज एक्सपी के अंदर की सिक्योरिटी तो एनालाइज कर ली, वो प्रॉपरली सही है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट जस्ट बिकॉज विंडोज एक्सपी खुद ही वल्नरेबल है, राइट, तो जो आउटर स्ट्रक्चर होगा अगर वो ही वल्नरेबल है तो अंदर की कॉन्फ़िगरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितने आपने बेहतर कॉन्फ़िगर किया है उसको डजंट मैटर। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, आपकी सर्विसेज बेशक प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो, ये है आपकी सर्विस की इनर लेयर जहाँ पर आपका यूजर कम्युनिकेट करता है सर्विस के साथ। अगर आपकी सर्विस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है, इनर लेयर बेशक प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी आउटर लेयर उसका सर्विस का वर्जन ही वल्नरेबल है, आपकी सर्विस सिक्योर में काउंट नहीं होगी वहां पर, राइट। आपका कोई भी अटैकर इसका इजीली फायदा उठा सकता है इस वर्जन का, राइट। तो आपको इन चीजों के लिए भी टेस्ट करना होता है हमेशा। अदर देन दिस, आपको अगर ये सभी ऑप्शन, लेट्स से लाइक दिस वन हाइफ़न स्मॉल एस कैपिटल वी हाइफ़न ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन पार्ट और आपकी बेसिक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स, आपको अगर ये तीनों ऑप्शंस एक साथ एग्जीक्यूट करने हो, उसके लिए आप छोटी सी कमांड लिखो nmap हाइफ़न कैपिटल ए, उसे आप बोलते हो अग्रेसिव स्कैन, जो कि बैकग्राउंड में ये तीनों स्कैन चलाता है, राइट। आपका वहां पर बेसिक डिफॉल्ट कैटेगरी की स्क्रिप्ट्स भी एग्जीक्यूट होंगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आइडेंटिफाई होगा वहां पर, और आपके सर्विस के वर्जन्स भी आइडेंटिफाई होंगे वहां पर साथ के साथ। उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये ऑप्शन हाइफ़न कैपिटल ए, से आप बोलते हो अग्रेसिव स्कैन, राइट। एंड जस्ट स्पेसिफाई योर आईपी एड्रेस फॉर योर विक्टिम एंड कर दो एंटर प्रेस। अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज डिफरेंट चीजें एग्जीक्यूट होंगी वहां पर। अभी के लिए इसे करते हैं, अभी के लिए यहाँ पर रिज्यूम, यहाँ पर सिंपल छोड़ दो इसको, यहाँ पर चलने देते हैं इसको, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है यहाँ पे। अदर देन दिस, लेट्स सी हमने कोई टॉपिक मिस ना कर दिया हो बस यहाँ पर। तो ये हो चुका है, ये भी कर चुके हैं, ये ऑप्शन रहता है हमारे, एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। आईएल हो चुका है, ए हो चुका है, ओ एस सी, एस सी आपका जनरली यूज है आपके सिंपल बेसिक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसके लिए अगर तो हाइफ़न हाइफ़न स्क्रिप्ट और फिर डिफॉल्ट का प्रॉपर नाम दे दो जो काफी कॉमन है, या फिर आप सिंपल ये ऑप्शन यूज करो, लेकिन ये आपका सिंपल डिफॉल्ट कैटेगरी तक ही सीमित है। बट उस हाइफ़न हाइफ़न स्क्रिप्ट ऑप्शन के साथ आप जो स्क्रिप्ट देना चाहो दे सकते हो, तो ज्यादा कॉमन है, आप उसको यूज करो वो बेहतर है, राइट। आप हाइफ़न 6 यूज कर सकते हो IPv6 एड्रेसेस के लिए, या फिर आप हाइफ़न स्मॉल एस एंड कैपिटल एस यूज कर सकते हो, इसको आप बोलते हो सिंक स्कैन, जस्ट बिकॉज इसके अंदर आपका एनमैप बाय डिफॉल्ट सिंक रिक्वेस्ट भेजता है। इस ऑप्शन के साथ आपका एनमैप सिंक रिक्वेस्ट भेजता है हर एक पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, और एनमैप बाय डिफॉल्ट इसी ऑप्शन को यूज करता है। तो पता होना चाहिए कि एनमैप बाय डिफॉल्ट किस टाइप के पैकेट्स भेजता है विक्टिम के पास, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आपका ये ऑप्शन यूज होता है, तो आप इसे यूज करो ना करो ये यूज होगा ही होगा, राइट। देन वी हैव द हाइफ़न स्मॉलेस्ट कैपिटल ए फायरवॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला इट मीन्स फायरवॉल एक्टिव है, अगर रिस्पॉन्स मिलता है चाहे कुछ भी आए रिस्पॉन्स आना चाहिए बस, अगर रिस्पॉन्स मिलता है मतलब फायरवॉल एक्टिव नहीं है वहां पर बेसिकली। अदर देन दिस, आपके पास हाइफन कैपिटल पी स्मॉल एन है ताकि मशीन को आप चेक ना करो कि मशीन एक्टिव है नहीं है, उसके लिए आप यूज करते हो हाइफन कैपिटल पी स्मॉल एन, जिसे आप बोलते हो डोंट पिंग स्कैन, राइट। देन हमारे कुछ ऑप्शन रहते हैं हाइफन स्मॉल एस कैपिटल आर एंड स्कैन फ्लैग और एस सी हो गया, बस तो यही रहते हैं, ठीक ये भी रहता है ठीक है, इसी से लगे हाथ। और मुझे यहाँ सिंपल रिस्पॉन्स मिला है इस कैपिटल ए का, राइट। तो मुझे यहाँ बेसिक सर्विसेज मिली है, उनकी स्टेट्स मिली है,
सर्विस वर्जन मिले हैं प्रॉपर यहाँ पर मुझे साथ के साथ, राइट। तो पोर्ट्स, स्टेट, सर्विस नेम एंड द सर्विस वर्जन, इसके साथ साथ मुझे वहाँ पर प्रॉपर ओएस भी मिला है वहाँ पर साथ के साथ। कंप्यूटर नेम, अगर आपकी स्क्रिप्ट कौन सी यूज हुई है, SMB-OS-Discovery। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 अल्टीमेट वर्जन 7601, सर्विस पैक 1, राइट। कंप्यूटर नेम WINARAJ03JRGVM, ये प्रॉपर कंप्यूटर नेम आपकी मशीन का वहां पर। नेट बायोस नेम ये भी सेम ही है। वर्क ग्रुप है वहां पर, मैं आपके सिंपल अकाउंट, गेस्ट, ऑथेंटिकेशन, यूजर, बेसिक चीजें ही है वहां पर अगेन, राइट। आप इन चीजों को भी टेस्ट कर सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो -A फॉर द अग्रेसिव कैंप। अदर देन दिस, आप जब सिंपल एंडनोट को यूज करते हो तो एंडनोट आपका बाय डिफॉल्ट TCP 3-way ऐसे कभी कंप्लीट नहीं करता। एंडनोट को जब रिस्पांस में मिला सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट, जब एनएफ को रिस्पॉन्स में सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट मिलता है, दिस वन, राइट, उस टाइम पे आपका एनएफ वहां पर एक्नॉलेजमेंट भेजने की जगह क्या भेजेगा, RST, रीसेट प्लान। एनएफ बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं, एनएफ बाय डिफॉल्ट अगर उससे रिस्पॉन्स मिलता है सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट, तो वो कभी भी एक्नोलेजमेंट फ्लैग नहीं भेजता, वो सिंपली RST फ्लैग भेजता है कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, बिकॉज वो कंप्लीट कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता वहां पर, राइट। अगर उस पर्टिकुलर पोर्ट पे, लेट्स से हमने एक सिंगल पोर्ट ही यूज किया था, आपको याद हो तो मेरा पोर्ट नंबर 45570 यूज हुआ था, डिफरेंट पोर्ट्स को टेस्ट करें, चाहे पोर्ट नंबर 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, चाहे 6, देन 7, देन 9, देन 11, आपके डिफरेंट पोर्ट्स के पास कनेक्शन रिक्वेस्ट कहाँ से गई थी, इसे एक पर्टिकुलर सिंगल पोर्ट से। और अगर इस पोर्ट के ऊपर TCP 3-way एंट्री कंप्लीट हो गया तो आपका ये पोर्ट ऑक्यूपाई हो जाएगा, राइट। इस चीज को सिंपली अवॉइड करने के लिए आपका एनएफ कभी भी आपका TCP 3-way एंट्री कंप्लीट नहीं करता बाय डिफॉल्ट, राइट। बट अगर आप चाहो किसी भी 3-way एंट्री कंप्लीट करना है मुझे, उसके लिए आप यूज करते हो ये ऑप्शन NMAP-SMALLSTT, या किसी भी 3-way एंट्री कंप्लीट करना है वहां पर, आधे में नहीं छोड़ना उसको, कंप्लीट करो किसी भी 3-way एंट्री को, राइट। उसके लिए आप यूज करते हो ये ऑप्शन, राइट। अदर देन दिस, एक और कमांड थी हमारे पास, दैट वॉज द सिंपल NMAP-SMALLR। आपकी ये कमांड स्पेसिफिकली, इसके अंदर आपकी RPC सर्विस के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया हुआ है, इस कमांड के साथ, इस ऑप्शन के साथ, -SR के साथ, आपकी कुछ RPC सर्विस के कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, आपकी RPC सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पर कुछ स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो आप इसको यूज कर सकते हो -SR को, पर आपका मेन फोकस RPC सर्विस के ऊपर ही है। ये बाकी सर्विसेज को भी टेस्ट करता है, सर्विस वर्जन्स को भी टेस्ट करता है अगेन, आपके RPC सर्विस को फाइंड आउट करने के लिए। अदर देन दिस, हमने कौन सा ऑप्शन मिस कर दिया, अब ST हो गया, बाकी भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं, स्कैन फ्लैग, ओके। तो मुझे अब सिंपल रिस्पॉन्स मिला -SR RPC फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर अगर RPC सर्विस मिलती है तो भी सही है, नहीं मिलती है तो भी सही है, बट यहाँ पर तो मेन फोकस रहेगा RPC के ऊपर, राइट। अदर देन दिस, आपका एंड में बाय डिफॉल्ट सिंक फ्लैग्स भेजता है, राइट। बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिंक नहीं भेजने, मैं सिंक प्लस एक्नोलेजमेंट भेजूंगा, मेरा मन कुछ भी भेजू मैं, उस केस में आप यूज करते हो ये कमांड NMAP-SCANFLAGS, और आपको यहाँ पर प्रॉपर फ्लैग्स के नाम देने हैं। आप यहाँ पर 3 फ्लैग्स को एक साथ सेट कर सकते हो, वन ऑफ देम वाज योर सिंक फ्लैग SYN, इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक्नोलेजमेंट फ्लैग भी भेज सकते हो, और आप यहाँ पर फिनिश फ्लैग भी भेज सकते हो। आपका फिनिश फ्लैग यूज होता है, लेट से आपके पास कोई 10 MB डेटा था, ठीक है, आपको उसे करना है अपलोड सर्वर के ऊपर, वो 10 MB डेटा पैकेट्स में डिवाइड होगा, लेट से आपको मिलने वहां पर 50 पैकेट्स,
10 MB डेटा के लिए आपको मिले वहां पर देता था 10 MB का, उसके लिए आपको मिले वहां पर लेट से 500 पैकेट्स, ठीक है ना। आपके जब 500 पैकेट जाएंगे सर्वर के पास, तो उनमें जो लास्ट पैकेट होगा पैकेट नंबर 500, उसके अंदर एक प्रॉपर एक फ्लैग यूज होता है, वी कॉल इट FIN, ताकि आप स्पेसिफाई कर पाओ कि डेटा ट्रांसमिशन का ये आखिरी पैकेट है, इसके बाद और डेटा नहीं आ रहा, नाउ आप कनेक्शन को क्लोज कर सकते हो। उसके लिए आप यूज करते हो फिनिश फ्लैग, जस्ट टू स्पेसिफाई कि और ट्रैफिक नहीं है, और डेटा नहीं है, ये डेटा का आखिरी पैकेट था। आप डेटा को आप असेंबल कर सकते हो प्रॉपर, तो कनेक्शन को क्लोज करना चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो, राइट। उसके लिए हम यूज करते हैं फिनिश फ्लैग, FIN, फिनिश फ्लैग, राइट। आप अगर ये तीनों फ्लैग्स एक साथ यूज करना चाहो, उसके लिए आपको ये ऑप्शन यूज करना है हाइफन हाइफन स्कैन फ्लैग्स, राइट, एंड जस्ट स्पेसिफाई योर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अगर कुछ भी डाल दो, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, लेट्स गो विद 14 दिस टाइम, जस्ट गो विद द वायर शार्क एज वेल, जिसे कर लेते हैं रीसेट, वायर शार्क रीसेट है। एक और चीज, आपको ये कमांड सूडो परमिशंस के साथ एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी रूट यूजर के साथ, जस्ट बिकॉज मैं ऑलरेडी रूट यूजर हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर सूडो नहीं लगाना पड़ेगा, बट आप अगर रूट यूजर नहीं हो तब तो यहाँ पर सूडो लगाना पड़ेगा। क्लियर, एंड कर दो एंटर प्लेन। अब मेरी जो रिक्वेस्ट जाएंगी वहां पर आपके तीनों फ्लैग्स यूज होंगे, यू कैन सी वहां पर फिनिश फ्लैग भी यूज हो रहा है, आपका सिंक फ्लैग्स भी यूज हो रहा है वहां पर, और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग्स भी यूज हो रहा है। इस टाइप के स्कैन्स जहाँ पर आप मल्टीपल फ्लैग्स को यूज करते हो, जनरली कभी यूज नहीं होते, उनका आपस में कोई मतलब नहीं बनता यूज करने का। इस टाइप के फ्लैग्स आप यूज करते हो ताकि आप फायरवॉल्स को किसी तरीके से बायपास कर पाओ और आपको विक्टिम की मशीन से कुछ तो रिस्पॉन्स मिले, राइट। इस चीज के लिए आप टेस्ट करते हो इस टाइप के डिफरेंट फ्लैग्स, आपको अगर वहां से रिस्पॉन्स मिलता है, इट मीन्स आप इस टाइप के फ्लैग्स के थ्रू वहां पर फायरवॉल को बाईपास कर सकते हो, राइट। तो फायरवॉल को बाईपास करने की एक सिंपल टेक्निक आती है, थ्रू विच यू कैन जस्ट कवर डिफरेंट फ्लैग्स एट द सेम टाइम, फिनिश सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट। बट यहाँ पर भी मेरे पास सिर्फ रिक्वेस्ट ही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे अभी तक 1.14 से, राइट, सिर्फ रिक्वेस्ट गई है, मतलब मेरे फायरवॉल ने अगेन इन पैकेट को कर दिया ड्रॉप, राइट। बट अगर आपकी फायरवॉल जनरली विंडोज 7 के लिए है, तो आप इनके थ्रू कुछ हद तक फायरवॉल को बाईपास कर सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स में सिंपल रिजल्ट ही मिलते हैं कि आपकी फायरवॉल एक्टिव है या नहीं है, अगेन ये भी फायरवॉल्स को टेस्ट करने के लिए ही यूज होता है, राइट। अदर देन दिस, इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है जो कि अदर देन दिस थ्री फ्लैग्स, इनके अलावा दो फ्लैग्स और है, उस ऑप्शन को आप बोलते हो एक्समस स्कैन, जहां पर आपके तीन फ्लैग्स यूज होते हैं, उसके लिए ऑप्शन है हाइफन स्मॉल एस एंड कैपिटल एफ। ये ऑप्शन आपके तीन फ्लैग्स यूज करता है, पहला आपका फिनिश फ्लैग, दूसरा आपका पुश फ्लैग, और तीसरा आपका अर्जेंट फ्लैग। पहले समझते हैं व्हाट इज पुश फ्लैग, व्हाट इज अर्जेंट फ्लैग, दोनों का यूज क्या है। लेट्स से आपका कोई डेटा था सिस्टम की तरफ से, राइट, आपके सिस्टम के जो पैकेट्स होते हैं, अगर उन्हें सिंपल प्रोसेस करवाना है, हमारे राउटर्स के अंदर एक प्रॉपर क्यू रहता है, जो पैकेट आते रहेंगे वो वन 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 बाय वन प्रोसेस होते रहेंगे, राइट। तो एक प्रॉपर क्यू रहता है, जो पहले आएगा वो पहले प्रोसेस होगा। बट अगर आपके पैकेट के ऊपर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि ये पैकेट पहले प्रोसेस होना चाहिए, ये पैकेट मेरे पास अर्जेंट है, जल्दी प्रोसेस करो, उसके लिए आप यूज करते हो ये दो फ्लैग्स, पुश एंड अर्जेंट। पुश के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हो वहां पर PSH, राइट, और अर्जेंट के लिए आप यूज करते हो वहां पर URG, राइट। देन पुश फ्लैग्स आपके जनरली आपका अर्जेंट पैकेट्स आपका सिंपल प्रायोरिटी सेट करने के लिए ही यूज होते हैं, बट आपके पुश फ्लैग जनरली यूजर एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। आपकी यूजर एप्लीकेशन को अगर प्रायोरिटी सेट करनी है पैकेट के ऊपर, उस टाइम पे हम यूज करते हैं पुश फ्लैग। अगर आपके सिस्टम्स को पैकेट के ऊपर प्रायोरिटी सेट करनी है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं अर्जेंट फ्लैग, URG, और अर्जेंट की प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा है पुश फ्लैग से। ये मान लो अगर अर्जेंट की प्रायोरिटी है 5, तो पुश की प्रायोरिटी है 3, राइट, और नॉर्मल जो पैकेट्स हैं उनकी प्रायोरिटी रहती है 1, सिंपल मान लो, राइट। नॉर्मल पैकेट्स की प्रायोरिटी मान लो सिंपल 1, पुश की मान लो 3, अर्जेंट की मान लो 5,
क्योंकि अर्जेंट की प्रायोरिटी पुश से थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। पुश फ्लैग का एक काम और है, वहां पर आपका जब डेटा ट्रांसमिट होता है, राइट, तो प्रॉपर बफर साइज होता है दोनों साइड पे, जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उसके पास भी प्रॉपर बफर साइज होता है, और जो रिसीव कर रहा है उसके पास भी प्रॉपर बफर साइज होता है, लेकिन दोनों मशीन डिफरेंट है। हो सकता है उनमें से कोई एक विंडोज यूज कर रहा हो, दूसरा हो सकता है लाइनेक्स यूज कर रहा, फिर हो सकता है उनमें से कोई एक विंडोज 7 यूज कर रहा हो, विंडोज 8 यूज कर रहा है, फिर विंडोज 10 यूज कर रहा हो, ओल्डर वर्जन। तो चांसेस है कि वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो उस वजह से, या फिर उनके जो हार्डवेयर है वो डिफरेंट हो उस वजह से भी उनका बफर साइज वैरी कर सकता है, राइट। तो जो डेटा रिसीव कर रहा है, जो डेटा रिसीव कर रहा है उससे अपना बफर साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है सेंडर को, कि मेरा बफर साइज ये है, आप इतने ही पैकेट्स भेजना है एक बार में। लेट्स से आपका जो रिसीवर है वो एक टाइम पे सिर्फ 20 पैकेट्स को हैंडल कर सकता है, वो एक टाइम पे सिर्फ 20 पैकेट्स को एक्सेप्ट कर सकता है, बट मेरा जो सेंडर है वो एक टाइम पे मान लो 50 पैकेट्स भेज सकता है। अब मेरा सेंडर भेज रहा है फुल स्पीड से 50 पैकेट्स एक बारी में, राइट, बट जो रिसीवर है वो सिर्फ 20 पैकेट्स एक बार में रिसीव कर पा रहा है, राइट। उस केस में 30 पैकेट्स होते हैं, चांसेस हैं कि वो 30 पैकेट्स आपके लॉस हो जाए, राइट। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर बफर साइज अपडेट करते हैं सेंडर की साइड, राइट। आपका सेंडर का अगर साइज कम है तो भी, सेंडर का साइज कम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन रिसीवर का साइज कम है बफर का, तो उस केस में आपको बफर, आपको रिसीवर के बफर साइज के अकॉर्डिंग ही पैकेट भेजने पड़ेंगे। तो वहां पर आपका सिंपल 50 पैकेट भेजने की जगह आपका जो सेंडर होगा वो यहाँ पर सिर्फ 20 पैकेट ही भेजेगा, ताकि आपका रिसीवर उन्हें प्रॉपरली रिसीव भी कर पाए। तो ये केस भी है, इसके लिए भी आपका पुश फ्लैग यूज होता है PSH, राइट, और प्रायोरिटी के लिए भी होता है, ये केस भी है। अदर देन दिस, अगर बात करूँ कि मुझे ये तीनों फ्लैग्स एक साथ यूज करने हैं, ये पुश फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग और फिनिश फ्लैग, अगेन इन तीनों फ्लैग्स का एक साथ काम करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। आपका ये ऑप्शन भी फायरवॉल्स को टेस्ट करने के लिए ही यूज होता है, राइट। अगेन सिंपल चलते हैं आईपी एड्रेस के साथ, लेट्स गो विद 1.14, मेरा वायर शार्क, ये करते हैं सिंपल रीसेट अभी के लिए, कमांड के ऊपर वापस करते हैं इसे एग्जीक्यूट। अगेन आपको ये कमांड भी रूट यूजर की परमिशंस के साथ ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, आप अगर रूट यूजर नहीं हो तो सूडो लगा लेना इससे पहले, राइट। मुझे यहाँ पर 3 फ्लैग्स दिख रहे हैं, फिनिश, पुश और अर्जेंट, राइट, बट यहाँ पर मुझे सिर्फ रिक्वेस्ट दिख रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है मेरे पास, सिर्फ रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट है यहाँ पर, बस यू कैन सी मुझे वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगेन 1.14 से सिर्फ रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट ही है, वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है वहां पर, राइट। तो अगेन आपकी फायरवॉल को हम बाईपास नहीं कर सकते इन फ्लैग्स के थ्रू भी, राइट। अदर देन दिस, इसके अलावा फायरवॉल को सिंपल चेक करने के और भी तरीके हैं। अगेन अगर बात करूं तो वन ऑफ देम वॉज जो सिंपल फ्रेगमेंटेशन, आपके पैकेट का कुछ डिफॉल्ट साइज होता है, लेट्स से अभी के लिए मान लो सिंपल 64 बाइट्स डिफॉल्ट साइज पैकेट का अभी के लिए मान लो, सभी के लिए कुछ भी, ठीक है, तो 64 बाइट डेटा ही जाएगा एक बार में, राइट। बट अगर मैं चाहूँ कि 64 बाइट डेटा ना जाए एक बार में, या फिर मुझे उसे कम करना हो, ज्यादा करना हो, या फिर उसके मल्टीपल टुकड़े करने हो, लेट्स से एक पैकेट है 64 बाइट का, मुझे उसे मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड करना है, उस टाइम पे मैं यूज करता हूँ ये ऑप्शन NMAP-F फॉर द प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन। -F stand for the fragmentation, कि आप पैकेट्स को मल्टीपल स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर रहे हो एंड देन उन्हें ट्रांसमिट करोगे, राइट, इसको आप बोलते हो सिंपल फ्रेगमेंटेशन। अदर देन दिस, यहाँ पर एक ऑप्शन और काम करता है आपका, आपको अगर प्रॉपर साइज सेट करना हो कि मुझे एक पर्टिकुलर साइज देना है, मान लो यहाँ पर देना है मुझे 8 बाइट्स, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन यूज करना होता है वो जो सिंपल -MTU, MTU stands for maximum transmission unit, कि maximum data कितना भेज सकते हो आप एक बारी में, that was a part of MTU, right? तो मैं यहाँ पे simple भेज रहा हूँ 8 bytes, right? तो वो simple कैसे करता हूँ, send to the IP address, कुछ भी डाल दो, अगेन 1.14 पे चलते हैं, इसे करते हैं reset एक बार के लिए, wireshark reset हो जाओ,
कंटिन्यू एंड से कर लो सिंपल एंटरप्राइज। अगेन ये कमांड आपको सुडो के साथ एग्जीक्यूट करनी है राइट विद एडमिन परमिशंस मान लो बेशक। तो मुझे आप प्रॉपर दिख रहा है फ्रेगमेंटेड आईपी प्रोटोकॉल फ्रेगमेंटेड प्रोटोकॉल दिस दिस एंड दैट एंड दैट राइट। बट अगेन मुझे यहाँ पर भी सिंपल रिक्वेस्ट ये दिख रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे यूजर्स से राइट। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है फायरवॉल से कुछ भी कर लो कि फायरवॉल आपको अलाउ नहीं करेगा, कुछ भी कर लो। अगर फायरवॉल प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है तो कितना भी जोर लगा लो कुछ भी कर लो आप मशीन के अंदर एक्सेस नहीं ले पाओगे राइट। अगर फिर आप उस सर्विस को एक्सेप्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे सिंपल। अदर देन दिस मुझे अब एक सिंगल पोर्ट ही मिला है। यहाँ पर आपकी जो मशीन है विंडोज 10 वहां पर कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ कॉमन सर्विसेज चलती है, 135, 139 ये डिफॉल्ट सर्विसेज हमेशा चलती है विंडोज मशीन के ऊपर राइट। तो आपका ये बेसिक्स जो स्कैन्स है वहां पर आपकी डिफॉल्ट सर्विसेज लिस्ट आउट नहीं होंगी, बट आपके अगर कोई सर्विस कोई पोर्ट नंबर आपके थर्ड पार्टी या फिर किसी सॉफ्टवेयर ने स्टार्ट किया है तो वहां से आपको यहाँ पर पोर्ट जरूर मिलेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक सिंपल सर्विस स्टार्ट कर देता हूँ अभी के लिए, आ जाओ यहाँ पर ये आ जाओ डेस्कटॉप पे है फोल्डर हमारे पास, ये करते हैं ओपन करते हैं क्यों। अब मुझे यहाँ पर बिकॉज एक पोर्ट नंबर ओपन हुआ है पोर्ट नंबर 9999, चांसेस है मैं अगर यहाँ पे स्कैन करूंगा तो मुझे पोर्ट नंबर 9999 भी ओपन मिले, बट मुझे यहाँ पर अभी के लिए विंडोज की डिफॉल्ट सर्विसेज लाइक नेट बायोस और एसएमबी सर्विसेज मुझे यहाँ पर नहीं दिखाएगा वो अभी भी, बिकॉज फायरवॉल अलाउ ही नहीं करेगा वहां पर राइट। तो फायरवॉल के अंदर इन दो एप्लीकेशन के लिए फिर इन दो पोर्ट्स के लिए एक्सेप्शन अलाउड है, एक्सेप्शन ऑलरेडी है फायरवॉल के अंदर इन दो पोर्ट्स के लिए फिर इन दो सर्विसेज को लेके मान लो वैसा कि अगर इनके लिए कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे कर लो एक्सेप्ट राइट, बाकी कर दो ब्लॉक। मैं अगर फायरवॉल को फायरवॉल करता हूँ एक बार के लिए ऑफ, आ जाओ फायरवॉल के ऊपर खोल देते हैं सेटिंग्स फायरवॉल करते हैं अभी के लिए डिसेबल। और अब अगर मैं पोर्ट स्कैनिंग करता हूँ, इससे पहले अगर सिंपल पिंग करता हूँ मशीन को अब की बार 1.1.1 कोड इन को, तो अब की बार तो मेरा पिंग भी जा रहा है वहां पर। और मैं अगर सिंपल स्कैनिंग करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इस बार मेरी डिफॉल्ट सर्विसेज भी लिस्ट आउट होंगी राइट। तो फायरवॉल्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है, आप जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तब की एप्लीकेशन खुद ब खुद अपने आप को फायरवॉल के अंदर एक्सक्लूड करवा लेती हैं राइट। वो अपने आप की फायरवॉल को मॉडिफाई करती हैं कि मेरा जो अगर इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए कोई रिक्वेस्ट आ रही है या फिर अगर इस एप्लीकेशन के लिए या फिर स्पेसिफिक एप्लीकेशन से कोई रिक्वेस्ट आती है कोई रिस्पॉन्स जाता है तो उसे अलाउ करना है आपको, उसे ब्लॉक नहीं करना, उसे रोकना ही नहीं आपको राइट। इस टाइप के एक्सेप्शन रूल्स भी आपकी एप्लीकेशन अपने आप सेट करती है फायरवॉल के अंदर आप जब उन्हें इंस्टॉल करते हो राइट। एप्लीकेशन को हमेशा देख के ही इंस्टॉल करना चाहिए। अदर देन दिस फ्रेगमेंटेशन पार्ट, आपको अगर किसी और आईपी एड्रेस के बिहाफ पे आपको खुद के आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, आपको अगर किसी और के आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट भेजनी हो उस टाइम पे आप इस सिंपल कमांड ट्राई कर सकते हो nmap कैपिटल डी, आपका यूज होता है डिकोए के लिए, इसका नाम है डिकोए राइट। यहाँ पर आप अगर कोई आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करते हो लेट्स से मैं अभी कह रहा हूँ 4.4.4.4 राइट, उस टाइम पे मेरी आईपी एड्रेस जो था 1.17 वो यूज होगा पोर्ट स्कैनिंग के लिए, साथ साथ ये आईपी एड्रेस 4.4.4.4 ये भी यूज होगा पोर्ट स्कैनिंग के लिए। दोनों ही आईपी एड्रेसेस से आपके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएंगी उस पर्टिकुलर मशीन के पास। And if I show you, इसे करते हैं वापस अगेन reset, continue, इसे करते हैं execute, target IP address as 1.14, कर दो execute। अब you can see कि मेरा IP address 1.17 भी use हुआ है इस particular port 1025 को scan करने के लिए, और IP address 4444 भी use हुआ है इस particular port 1025 को test करने के लिए on machine 1.14। तो आप इन चीजों के लिए भी try कर सकते हो। Let's say आपको अगर नहीं पता कि मुझे कौन सा आईपी एड्रेस देना चाहिए यहाँ पर, या फिर आपको मल्टीपल आईपी एड्रेस
हाँ ये नोटिफिकेशंस, फॉलो द नोटिफिकेशन ऑन योर फोन टू टर्न ऑन नोटिफिकेशन एक्सेस। हेलो ओके हेलो, या हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है आशीष। तो जी कुछ पूछना था आपको? ओके कंटिन्यू करते हैं सर। अदर देन दिस, आपको अगर कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आप ना देना चाहो, मैं चाहता हूँ कि आप एंड अप अपने आप कोई रैंडम आईपी एड्रेस उठा ले अपने आप, राइट? उस टाइम पे आप सेम कमांड यूज करो बट विदाउट दिस आईपी एड्रेस, और आप यहाँ पर एक ऑप्शन यूज करो आर एन डी रैंडम, कोलन रखो वहां पर, और आप कितने रैंडम आईपी एड्रेस आपको चाहिए। लेट से मुझे चाहिए वहां पर 10 रैंडम आईपी एड्रेस, तो मुझे सबसे स्कैनिंग करनी है वन बाय वन। उस टाइम पे आपका एनमैप रैंडमली 10 आईपी एड्रेस उठा लेगा आपके लिए, और उन सभी से वन बाय वन आपके लिए नेटवर्क स्कैनिंग करेगा वहां, राइट? तो करते हैं एंटर प्रेस। उससे पहले वायरशार्क कर लो रीसेट, एंड इसे करते हैं एग्जीक्यूट। आपको अगेन ये कमांड भी आपको सूडो के साथ एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पर आपके एंड मैप ने 10 रैंडम आईपी एड्रेसेस उठाए हैं। 1.17 इज माय आईपी एड्रेस, और यहाँ पर यू कैन सी फ्रॉम पैकेट नंबर 10 टू पैकेट नंबर 19 मेरे 10 रैंडम आईपी एड्रेसेस यूज हुए हैं इस पर्टिकुलर पोर्ट 113 को टेस्ट करने के लिए, राइट? तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं।